يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وقال عز وجل كما ورد في سورة التغابن فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلِكَ يَوْمُ التَّغَابُضِ وقال عز وجل كما ورد في سوره العنكبوت وان الدار الاخره هي الحيان لو كانوا يعلمون وقال عز وجل كما ورد في سوره النساء رسول مبشرين ومنذرين لالا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وقال جل وعلا كما ورد ثلاث مرات في القرآن في سورة التوبة سورة الفتح سورة الصف هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال عز وجل كما ورد في سورة الصف يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تو بدونا بالله ورسوله وتجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري لله قال الحواريون نحن انصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوس صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحد نقطة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى अल्लाफिका नजाहिदी सभी उमर जुक्ना शहादत आमीन याबल ख़्वीन अलैक् आज के, के खिताब के बारे में अखबारी ऐलान के जरिए आपको ये मालूम हो चुका होगा कि आज के अगर असल मौजूद तो है इनकताब इस्लामी के ज़मन में तदम के मराहल लेकिन इसके अलावा मैं अपने पिछले तीन खुतबात के लिए बाद मजामिन कुछ दोहराऊँगा कुछ उनके खला को पुर करूँगा मैंने दोबारा असर नौ नज़र डाली है तुम्हें महसूस हुआ कि खास अहम नुकात जो है वो रह गए फिर यह कि इसमें कुछ इजाफे भी आज हो गए मुझे गुमान ये है कि ये बात मेरी शायद तवील हो जाए कि आज का मजमून भी पूरा ना हो पाए और मेरे जहन में ये है कि शायद हमें अपना ये सिलसिला चार की बजाय पांच खुतबात पर वसी करना पड़े और अगले इतवार हम इसे कर करें जो भी अल्लाह को मंजूर होगा वो होगा देखिए अगर याद करें आप जो मेरा पहला खुतबा था उसमें मैंने अलहमद लाने जायजा लिया अपने नोट्स का कि ईमान की बहस बहुत जामियत के साथ पूरी हुई ये नोट कर लीजिए यही इस्लाम का फलसफा है यही इस्लाम का मेटाफिजिक्स है इसी को जर्मन में कहते हैं वेल्टन शाउंग इसी के लिए अंग्रेजी लफ्ज है वर्ल्ड व्यू क्या आपके निगाह में कायनात के बारे में आपका तस्वुर क्या है इंसान के बारे में तस्वुर क्या है वेल्टन शाउ मेटाफिज़िक्स एक तो ये दुनिया है जो नज़र आ रही है मादी दुनिया है जो हमारे हवा से खमसा की जद में है अब देखते हैं और उसका मुता करते हैं एक इसे बावरा जो दुनिया है कायनात है जो मेटाफिज़िक्स है फिजिक्स से ऊपर वो क्या है इसका नाम जो है दीनी इस इसमें उसका नाम ईमान है अफसोस यह है कि इस दौर में आम तौर पर हम ईमान को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं हम मुसलमान हैं तो ईमान तो है ये सबसे बड़ा माहौल था इसी से हमारी तहरीकें नाकाम हो रही हैं। इसी से हमारी दीनी जिदोजहद नाकाम हो रही है उनका स्टार्टिंग पॉइंट ही गलत है जायजा ईमान यकीन वाला कहां है मैं कभी कहता हूं किसी बजमे में जरा आपने गरीबानों में झांकी एक सवाल अपने आप से कीजिए एम आई रियली कन्विंस्ड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एम आई रियली कन्विंस्ड अबाउट द डायरेक्शन एंड द लाइफ आफ्टर डेथ

इस, इस जद्दोजहद का आगाज किया था तो वो इसी तशीस पर कि असल में गलती जहाँ हो रही है वो ये है कि हम समझते हैं कि जब हम मुसलमान हैं तो मोमिन तो हैं हालांकि यही मवालता इसमें किसी जमात ने ईमान पर जोर नहीं दिया सिवाय तबलीगी जमात के तबलीगी जमात के यहाँ ईमान पर जोर है उनकी गुफ्तुओं में उनकी खिताब में उनकी तकारीर में ईमान हर शह अल्लाह से होती है भूख रोटी से नहीं मिटती अल्लाह के मिटती है प्यास पानी से नहीं बुझती, अल्लाह के कहने से बुझती है किसी शह पर तवक्कुल न हो एतमाद न हो भरोसा ना हो सिवाए अल्लाह के साथ लेकिन बदकस्मती से तबलीगी जमात ने जो इस ईमान का इंटेलेक्चुअल डायमेंशन है तफक्कुह वाला हिस्सा फहम वाला हिस्सा जिसको कुरान कहता है ईमान अला वजिल बसीरत जिसको यूसुफ में कहा गया कुल नबी कह दीजिए लोगों देखो ये मेरा रास्ता है मैं अल्लाह की तरफ बुला रहा हूं अला वजिल बसीरत और न सिर्फ मैं मेरे साथी भी जो मेरी पैरवी कर रहे हैं वो भी किसी ब्लाइंड ईमान में नहीं है किसी अंधे ईमान में नहीं है बल्कि उनका ईमान अला वजह बसीरत तो अला वजह बसीरत ईमान पैदा करने का मामला जो है वो असल में बारह अपनी सी कोशिश की है और कोशिश की है कि ऐहद हाजिर का जो एक आम इलमी लेवल है उस पर आकर इंटलेक्चुअल डायमेंशन के साथ ईमान की वजाहत की जाए मेरी एक किताब भी पूरी इस पर है हकीकत ईमान फिर सबसे ऊपर मेरे नज़दीक जो मैंने इस सिलसिले में काम किया है वो आखिरी मेरी तालीफ है ईजाद इब्दा आलम से आलमी नज़ाम खिलाफत तक अपनी सी कोशिश की है लेकिन इसमें मैं आज एक नुकते का इजाफा करना चाहता हूँ ईमान बिल आखरत के ज़िमन में जब मैंने ईमान बिल्ला और ईमान बिल आखरत की वजाहत की तो आप एक इस्तेमाल इस तरह इस्तेमाल कीजिए मबदाओबाद मबदाओबाद असल में हजरत मुजदसामी इमाम रब्बानी अहमद सरहन्दी रहमत की एक तालीफ क्या नाम है मबदाओबाद मबदा मबदा जहां से इब्तदा हुई माद जहां लौट कर जाना है इन्ना है ना वह इन्ना ये मब्दा उबाद का इल्म है असल में कि जो ईमान बिल्लाह और ईमान बिल आख़रत के ज़रिए हमें मिलता है अगर ये न सामने हो तो हमारा आम उन लोगों का सा है जिसकी बड़ी खूबसूरत शेर में सुना चुका हूँ आपको मैं चाहता हूँ जो मेरे शागिद हैं मेरे चाहते हैं कि इसी तरफ पर दिन के काम को आगे बढ़ाएं कुरान की दावत को आगे फैलाएं ये चीज़ें असल में बड़ी मौसर होती है हजूर का अपना फरमान ये है सल्हम इना मन शेर निकमत बयान न शरा और कबाक़ार बाज अशार हिकमत पर मबनी होते हैं और बाज तकारीर जादू होती है तो ये जो अशारा इकबाल के हों या और इसी अंदाज के ये हिकमत के मोती हैं और इन सिर्फ आप अपनी तकरीर को अगर मुजयन करेंगे वो लोगों के दिलों के तारों को ज़्यादा करीब से जा छेड़ेंगे सुनी हायत हस्ती तो दरमिया से सुनी ना इब्तदा की खबर है ना इंतहा कहा से आए हैं कुछ पता नहीं कहा जा रहे हैं कुछ पता नहीं ज्यादा से ज्यादा यही पता है कि इतने साल पहले अपनी मां की पेट में नौ बहिने रहकर बताया था दुनिया में बस इससे पहले क्या मुश्किल पता नहीं इससे पहले कागजात कब से कुछ पता नहीं ये भी मालूम है कि कबर पर उतार दिया जाऊंगा एक वक्त में लेकिन उसके बाद कुछ क्या है कुछ पता नहीं कायनात कब तक रहेगी कुछ पता नहीं तो सुनी हायत हस्ती तो दरमिया से सुनी नहीं इब्तदा की खबर है नहीं इत मालूम अब इसको मैं एक विशाल से बयान किया करता हूं इसको अपने ऊपर थोड़ा तो तारी करके सोचिएगा फर्श कीजिए आप यहां से कराची जा रहे हैं सफर कर रहे हैं रेल में बैठे आपको मालूम है आपका घर बाल बच्चे यहां लाहौर में है कराची आप फला काम के लिए जा रहे हैं फला जगह ठहरना है ये है वो है सब आपके में अफर्ज कीजिए कोई ऐसा हादसा होता है कि ऊपर से कोई ट्रंक गिरा आपके सर के ऊपर और इस सदमे से आपकी याददाश्त जाइल हो गई होता मेमोरी लॉस ऑफ मेमोरी कुछ याद नहीं मैं कौन हूं कहां से चला था कहाँ रहता हूँ मेरे आलायाल कहाँ है क्या है कोई है भी कि नहीं है कुछ पता जा कर हूँ कुछ याद नहीं क्या काम था कुछ याद नहीं हाँ मैं बैठा हूँ गाड़ी में देखता हूँ थोड़ी थोड़ी देर के बाद गाड़ी रुकती है कुछ लोग उतर जाते हैं कुछ लोग चढ़ाते हैं बस ये है अब इसको अपने ऊपर तारी करके सोचिए कभी मेरे साथ गुजरा है ये मामला सन उन्नीस की जनवरी में चंद घंटे के लिए देर वॉज ए टेम्प्रेरी लॉस ऑफ माय मेमोरी ये मैंने अपनी किताब में तफसीली वाक्य लिखा हुआ है हिसाब कम वेश में कि क्यों हुआ था ये भी लिखा और जो उलझन मुझे उस जमाने में हुई थी उन दिनों में चंद घंटों में मैं आज बयान नहीं कर सकता कंप्लीट वैक्यूम ये ये हाल है उस मुसाफिर का वो तो देख रहा है कुछ लोग नए पैदा हो रहे हैं दुनिया में कुछ लोग खबरों में जा रहे हैं बस यही है गाड़ी से उतर गए गाड़ी में चढ़ गए बैठे हुए बाकी चल रहे हैं गाड़ी चली जा रही है चली जा रही है चकाचक जा रही है, है। कहाँ से चला था कहाँ जाना कुछ पता नहीं अलबत् इसको अगर जरा फैलाएं आगे अगर बड़ा समुंदरी जहाज है उसमें भी अगर यही हादसा हो जाए तो वह वो बेचैनी नहीं होगी वहां कोई थिएटर भी है वहां कोई घर भी बना हुआ है वहां को खेलने की जगह भी है वहां कोई स्विमिंग पूल भी है सब लगे हुए हैं तो ये अब और के इनकी तरफ ही नहीं होती सोचता ही नहीं आदमी मैं कौन कहा हूं उसे अपनी मेमोरी के लॉस का एहसास ही नहीं होता मशगूल लगा हुआ है और गाफिल हर शहर से गाफिल तो ये है कैफियत असल में इस ईमान और न ईमान और आखरत का इल्म अगर यकीन ना हो तो यह क्या इस इसके जुम्मन में मैं एक बहुत प्यारी आयत है जो सूरह मुल्क की है मैं नहीं चाहता कि वो रह जाए वो भी आपके जेहन में रहनी चाहिए अब ये मेरे लेक्चर किताबी शिक्ष में मुरतब होंगे इन शाह तो फिर ये चीजें उस पहली बहस के साथ जो है जोड़ दी जाएंगी उनको मुरतब कर लिया जाएगा सूरह मुल्क की बड़ी अजीब आयत है अफाममशी मुकबल अला वजह ही अहदा अमशी सवी अला सुरखी अल्लाह मिसाल दे रहा है एक शख्स जो ऊंधे मुंह जमीन पर घिसट रहा है एक शख्स खड़ा सीधा वो चल रहा है सीध, सीधे सीधे रास्ते पर क्या ये बराबर हो सकते हैं हिदायत याफ्ता कौन होगा जो ओंधे मुंह घिसट रहा है वो तो अपने पेट और फर्ज के बल पर चल रहा है जिनसी तकाजा है यही है इंसान की जिंदगी अगर मबदा और मात का इमला तो क्यों जी रहा है पेट के लिए जी रहा है जिंस के लिए जी रहा है अल्लाह खैर सल्ला और काय के लिए जी रहा वो कि बन अला बजे ओंधे मुंह अफम यमशी वो किब बन अला बजे आहदा ये ज्यादा राह राह वाला होगा सही राह पर होगा या ये कि जो कर खड़ा होकर सीधा चल रहा है उसके सामने उसकी मंजिल है उसका हदफ है उसे पता है मुझे कहाँ जाना है मैं अल्लाह के पास से आया हूं अल्लाह के पास मुझे लौट जाना इन्ना इसी तरीके से हयात मबात इंसानी जो है अगर जब उन्होंने बताया था आपको इकबाल का वो है कि तू इसे पैमाना है अब जावदा पैहम दवा हद जवा है जिंदगी इस जुम्मन में कुरान मजीद में मोमिन की एक आयत है बड़ी अजीम आयत है और अक्सर व बेशतर मुफसरीन से बिल्कुल समझ नहीं सके यहां तक कि मैंने उन्नीस सौ छियासठ में पहला मजमून लिखा था जब मैं लाहौर मुंतकिल हुआ हूँ पैंसठ में तो मुझसे फरमाइश की थी मुदीर अल अलीसाम ने जो फौत हो गया मुहिद्दीन सरफी नाम था उनका अल्लाह ताला फरमाए कुछ लिखो के मैंने एक अजमून लिखा हकीकत जिंदगी उसमें यह आयत कोट की तो मदीना यूनिवर्सिटी के उस्ताद मौलाना अब्दुल गफ्फार हसन का खत मुझे आया कि आपकी इस तहरीर से आज एक बिल्कुल नया नुकता मिला है जिसकी तरफ पहले कभी तवज्जो नहीं हुई थी वो क्या है उस सूरह मुबारका में एक आयत में नक्शा खेचा गया है कि जो जहनवी है वह फरियाद करेंगे अल्लाह से रबाना बे जुल अरेब हमारे तुने में दो मरतबा मारा दो मरतबा जिंदा किया अब हमने मान लिया अपने, अपने कसूरों का एतराफ कर लिया फातरफ ना बे जुलू बिना ऐतराफ कर लिया अपने अपने गुनाहों का तो अब यहां से भी निकलने का कोई रास्ता है कि नहीं ये दो बातें कौन से हो गए हम तो एक ही मौत से हैं। दो अहिया कौन से हो गए हम तो एक ही हैया से वाकिफ है जो होगा कयामत के दिन नहीं ये है असल में वो बात एक और अंदाज में भी आई ये बकरे बकरा फरू न मिल रहा है वह कुमतुम अम्बा तुम फायाकुम सुमयी तो ले तो जरूर तुम कैसे अल्लाह का इनकार करते हो जबकि तुम मुर्दा थे तो अल्लाह ने जिंदा किया फिर तुम्हें मारेगा फिर जिंदा करेगा फिर तुम उसकी तरफ़ लौट जाओगे अब अक्सर लोगों ने यह कहा मुर्दा से बुरा ये है कि वो तो आलम उसमें थे खाक में थे इसमें थे उसमें थे ये मुर्दा थे तो जिंदा किया उसका है वो तस्वर के पहली तखलीक हमारी हुई आलम अरवाह में सिर्फ अरवाह यह तखलीक है ये नहीं है तखलीक है उसके बाद अहद लेकर हमसे अलस्त में रबे कोलू बना हमें सुला दिया गया या कोल्ड स्टोरेज में रख दिया गया उसके बाद या मादी की तख़लीक हुई यहां एक अरब हा, अरब सालों के बाद जो भी निजाम बना है अब रहदर में एक हयूला तैयार हुआ है चार महीने का है अभी जनीन वह उसकी रूह लाकर वहां से यहां डाल दी गई ये अहिया अव्वल हो गया पहला इमाता हो गया जब नवा को सुना दिया गया इमाता हो गया फिर अब यह अहिया अव्वल हो गया अब ये जिस्म और उस रूह के साथ इस दुनिया में बीस तीस चालीस पचास सात सौ बरस रहेगा फिर यह माता हो जाएगा फिर क्यामत के दिन अहिया हो जाएगा नमतरत जुनू बिना फाल खो जिमिन सबी और मैंने आपको बताया फिर जिंदगी के हुए पांच द्वार, जिंदगी जमा मौत मौत भी एक जिंदगी की हालत है, आदम का नाम तो नहीं है ना मुर्दा पड़ा है मुर्दा है मादूम तो नहीं है चुनाचे हमारे वजूद के पांच अतवार है आलम अरवा में फिर रूहों के कोल्ड स्टोरेज में फिर मादी में फिर आलम बरसाह में फिर आलम आखरत तीन जिंदगी हो गई एक आलम अरवाह की जिंदगी दूसरी इस दुनिया की जिंदगी तीसरी आलम आखरत की जिंदगी ये है जिंदगी कि तू इसे पैमानाई रोजो फरदा से नाप जावेद पैहमदमा हरदम जमा है जिंदगी चौथा नुकता मैंने अर्ज़ किया था उस रोज़ नबूत और इसालत के दरमियान कोई फ़र्क है या नहीं है इस बाजू पर मैं बहस नहीं करता लेकिन मैंने आज तय किया है कि मैं उसके ज़िन्न में अपने ख्याल आपके सामने पेश कर लूँ गुमान मेरा यह काफ़ी अर्ज था, था कि मैं इन चीज़ों को लिख दूँ मेरे खुतबात में दुरू से कुरान में इशारात आते हैं इस पर तो बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किए बहुत से लोगों ने सवाल किए खुद के ज़रिए से भी वो इजमाली बात बनती नहीं और तफसी लिखने का मुझे मौका नहीं मिल रहा लेकिन अब पता नहीं उम्र कितनी है मैं चाहता हूं कि ये सिलसिला जो हुआ है इसमें ये बात आज मैं वाजह कर दूँ खोल कर कि नबी और रसूल के माबे मेरे नजदीक क्या नस्बत है पहली बात नोट कीजिए लघुवी तौर पर नबी के मानी क्या है यह या तो नबाउन से बना है जिसके मानी खबर इमाम रागिब लिखते हैं खबर उन ऐसी खबर जिसमें बहुत बड़ा फायदा हो नबा नबा से नबी खबर देने वाला नब वत कहते बुलंदी को तो नब वतुल से नबी जो कि बलंद मकाम पर है और ये हजूर ने इसको तशबीर के तौर पर एक अपने अमल के जरिए से इसको जुमाया किया था आपको जब हुक्म हुआ था ना फसता बेमातु अब आप डंके की चोट बयान कीजिए जो आपको कहा गया है तो आप कोहे सफा पर खड़े हुए वो कोई सफा बेचारा आप तो छोटी सी चटान की शक्ल में है बुजुर्ग के जमाने में पहाड़ था उस कोहे सफा पर खड़े हो गए आप आपने वाह नारा लगाया जो उनके यहां रिवाज था कि अगर कोई शख्स उसे कोई बड़ी खबर मिले कि कोई दुश्मन हमला आवर होने वाला है अब कैसे इतना दे लोगों को एक एक के घर जाए क्या करें कैसे खड़ा लाउड स्पीकर कोई नहीं टेलीफोन कोई नहीं एसएमएस कुछ नहीं कोई भी नहीं तो वो किसी ऊंची जगह पर खड़ा होता था और कपड़े उतारता था दंगा नजीरे उड़िया मंगा डराने वाला और वाह वा हाय वो शबा जो आने वाली सुबह इसलिए कि गारत जो करते थे ये कभी कबाइल एक दूसरे पर वो रात में करते थे और रात के भी जिसको आप कहते हैं अर्ली स्मॉल आवर्स ऑफ द मॉर्निंग जब बहुत गहरी नींद होती है ठंडी ठंडी हवा जो है तपक तपक कर सुलाती है तब आके हाँ है वो सबाह सुबह जो आने वाली खुद उन्हें भी कहा कपड़े नहीं उतारे वहां बाकी काम किया और इसी में उसूल है हमें भी अपने दौर में हर जरिया तमरीज इख्तियार करना होगा मगर हराम नहीं बस लेकिन ये कि हम जदीद राय को छोड़ दें तो तो गोया कि हम खुद अपने पाँव पर अपनी कुल्हाड़ी मार रहे हैं खैर अब लोग जमा हुए आपने पूछा लोगों अगर मैं ये कहूं कि इस वक्त इस पहाड़ी के पीछे दुश्मन जमा है तुम पर हमला करने के लिए तो तुम मेरी बात मानोगे बिल्कुल एक तो यह कि आप अमीन और सादिक हैं सच्चे हैं आपने कभी झूठ बोला ही नहीं दूसरे आप बलंगी पर खड़े हैं तो आप तो पहाड़ के उधर भी देख रहे हैं इधर भी देख रहे हैं ये वो है मकामे नबौवत जो दुनिया को भी देख रहा है आखरत को भी देख रहा है और उस बुलंदी से खबर दे रहा है तो नबाउन या नब ये उनके मादे हैं और रसालत ये बड़ा सादा सरफ़र साल किसी को भेजना खत भेजना पैगाम भेजना पैगाम भेजना, भेजना तोहफा भेजना, भेजना भेजना है अब इनके जिम्मन में दो बातें जो है वो मुत्फ कल है वह नोट कर दीजिए उलमा का इतफाक है पहली बात यह कि यह भी उन चंद में से है जो जोड़ों की शक्ल में है कुरान में जो करीबुल मानी कुरान करीबुल हैफहूम है अगर वो कहीं एक साथ आ जाए तो उनके माने जुदा हो जाएंगे लेकिन अलादा अलादा आए तो मानी इकट्ठे हो जाएंगे इसे कहते हैं वुलमा इज तमागा तफरقा वही तफरقा इस मसलन मोमिन मुस्लिम ये एक ही मानी है कॉल डी रोज़ बाय अनी नेम इट विल स्पेल ए स्वीट मोमिन कह लो मुस्लिम कह लो एक ही बात है लेकिन अलग-अलग मानी भी है कालत इलाराबु आमना कुलम तुमने होरा कि खुलू असलम ना वो लम्मा याद खुली ल ये बद्दू कह रहे हैं अभी मान लाए नबीन से कहिए तुम ईमान हरगिज नहीं लाए हाँ यूं कह सकते हो कि इस्लाम ले आए हैं अभी ईमान तुम्हारे दिलों में भी दाखिल नहीं हुआ यहां अलीदा मानी हो गए इसी तरह के अल्फाज नबी और रसूल ये जोड़ा हम मानी भी है और मुख्तलिफ भी है लेकिन जब ये अलग अलग आएंगे तो हम मानी हो जाएंगे रसूल के मानी नबी हो जाएंगे नबी के मानी रसूल हो जाएंगे एक जगह आएंगे साइमल्टेनियस कंट्रास्ट अगर होगा तो मानी अलदा हो जाएंगे एक बात यह मुत्तफ दूसरी बात जो मुत्तफ है वो क्या है नबी आम है रसूल खास है मुस्लिम आम है मोमिन खास है क्या मतलब हर मोमिन तो लाजमन मुस्लिम है हर मुस्लिम लाजिमन मोमिन नहीं है वो तो जो मैंने आज बात शुरू की थी यहाँ से आज हम मुसलमान है डेढ़ अरब है मोमिन होते तो हम दुनिया में जलील होते अगर ये हाँ कह दें आप इसको तो कुरान की झुट ला देंगे अंतमुल ना इनको तुम मोमिन तुम ही सबसे ऊंचे रहोगे अगर तुम मोमिन हुए हम नहीं है जलील है कार है मोमिन कहा है तो मुस्लिम अम मुसलमान है अल्लाह का फजला ये भी वो भी इसलिए कि अल्लाह ने मुसलमानों को घर पैदा कर दिया तो मुस्लिम आम मोमिन खास हर मोमिन लाजिन मुस्लिम हर मुस्लिम लाजमन मोमिन नहीं इसी तरह नबी आम रसूल खास हर रसूल लाजमन नबी है हर नबी लाजिमन रसूल नहीं अब तीसरी बात ये भी नोट कर लीजिए रिवायात में और ये भी तकरीबन मुतफ़ा अलह चीज है कि नबियों की तादाद सवा लाख है जो आए हैं दुनिया में और रसूलों की तादाद तीन सौ तेरह है और इसमें एक अजीब है मामला एक ताल्लुक़ होता है हजरतुल्विदा के सामने जो हजूर के सामने खर, बैठे हुए थे साहबा कराम वो सवा लाख थे गोया कि यह वही तादाद है जिस तादाद में दुनिया में नबी आए और मैदान बद्र में हजूर के साथ तीन सौ तेरह थे ये वही तादाद है कि जिस तादाद में दुनिया में रसूल आए वल्ला आलम एक रिवायत की बात है अब देखिए नबी और रसूल के फर्क के दरमियान जो है आम उलम की बातें क्या है नंबर एक ये कि अगर कोई किताब लेकर आता है तो रसूल है बगैर किताब के आता है तो नबी है अगर कोई शरीयत नहीं लाता है, तो रसूल और शरीयत नहीं लाता है तो नबी है ये गलत है हजरत ईसा नहीं शरीयत नहीं लाए लेकिन रसूल है हजरत दाऊद किताब दिए गए हैं जबूर लेकिन नबी है रसूल नहीं तो ये दोनों डेफिनेशन जो है दे फेल वो सही नहीं अब मेरे नजदीक क्या है वो समझ लीजिए नबूवत एक बरतबा है इसके लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल ओहदा है अपॉइंटमेंट नबी जब उसे किसी खास जगह पर मुआन करके भेज दिया जाए वहां जाओ अब वो रसूल हो जाता है जैसे सीएसपी ऑफिसर है उसने क्वालिफाई किया है ट्रेनिंग भी कर ली है सारा कर लिया है अब उसे डीसी भी लगाया जा सकता है कहीं डिप्टी सेक्रेटरी भी लगाया जा सकता है कहीं किसी महकमे बह, का चेयरमैन पर लाया जा सकता है वो उसका होता होगा काडर उसका सीएसपी रहेगा मर्द तब तक सीएसपी ऑफिसर है ये पीसीएस ऑफिसर है इनका काडर ये है इनका काडर ये है तो नबूवत जो है वो एक काडर है जदीद अतलाह में या एक मरतबा है और रिसालत जब नबी मुआन तौर पर इस तगा जाओ अब फिराउन की तरफ जाओ वो बड़ी तो यानी और सबकश कर रहा है अब ये रसूल हो गए आमतौर तो पर नबियों को अगर इस तरह अपॉइंटमेंट नहीं दी जाती तो उनकी हैसियत क्या है जैसे कि और अल्लाह होते हैं अल्लाह के बंदे हैं दिल में ईमान है यकीन वाला है हाँ फर्क क्या है कि वही भी आती है उनकी जात से खैर फैलता है लाजमन फैलेगा हर मोमिन की रात से खैर फैलता है अगर मोमिन हो आग वाकई अगर है तो उससे तो हरारत फैलेगी माहौल के अंदर आपने बात देखा होगा लेप्स होते हैं सर्दियों में देखा होगा वो नीचे तो ऐसे तो अंगारे देख रहे होती नहीं वो अंगारे होते ही नहीं वो तो वो जो इलेक्ट्रिक वो है तार असल में तो वो हरारत पहुंचा है। नीचे अंगारे नजर तो आ रहे हैं वो नजर आ रहे भाई वो आग नहीं है अगर किसी के वजूद से नेकी नहीं फैलती वो बंदा मोमिन नहीं है वली उल्ला होना तो बहुत बड़ी बात है बहुत ऊंचा मकान तो वली और वली से ऊपर नबी नबी कब जबकि वो वली उसके पास वही भी आया तो नबी नबी हो गया अब इस नबी को अपॉइंट किया गया अब वो रसूल हो गया इसी का एक नतीजा है जो सबसे मुश्किल है जिस पर लोग ज्यादा पूछते हैं सवाल नबी कत्ल हो सकता है रसूल कत्ल नहीं हो सकता क्यों नबी अपनी जगह पर वली है लेकिन रसूल अपॉइंटेड बाई अल्लाह वो उस आलमी हुकूमत का नुमाइंदा बन जाता है बाई अपॉइंटमेंट उसकी तोहिन अल्लाह की तोहहीन है उसको कत्ल करने की कोशिश अल्लाह को जो है चैलेंज करने के मुताबिक रसूल कभी कत्ल नहीं हो सकते कुरान मजीद में कई जगह इसको वादे किया गया है कतल अल्लाह रसोली अल्लाह ने लिख दिया है तय कर दिया मैं और मेरे रसूल लाज़मन गालिबा कर रहेगी क्या सवाल वो सबकत करो बचुना नहन लह मंसूर व इनाब ये बात हमारी जानब से पहले ही तय की जा चुकी है हमारे जो मुर्सल बंदे होंगे जो रसूल बंदे होंगे उनके लिए उनकी लाजमन मदद की जाएगी और हमारा लश्कर लाजमन गालिब आएगा इतनी सारी आयात के बाद हम देखते सूरह कबर में हजरत फरियाद आती है इन मगलूब मैं तो मग़लूब हुआ जा रहा हूं मदद कर और इंतकाम रसूल मग़लूब नहीं हो सकता इसी की एक और वजह बाप को बता दू हजूर कहते हैं लबदित तो फीसा मिल रहा सुमा हो सुमा मेरी बड़ी ख्वाहिश है मैं अल्लाह की राब कतल हो जाऊ और फिर मुझे जिंदा किया जाए फिर कतल हो जाऊ फिर जिंदा किया जाए फिर कतल किया जाऊँ फिर जिंदा किया जाए अल्लाह ने तो आरजू पूरी नहीं की वाई रसूल की आरजी आरजू ऐसी शरीद आरजू इतनी मोक् आरजू नब तो सुम्मा उबला नहीं कानून है अल्लाह का सबकत करे बतल ये बात तो पहले से तयशुदा है हमारे जो रसूल हैं उनके जिम्मन में ये बात तय ले बादल अलबूर सलीम लहुमुल मंसूरून व इन जुंदना और सबसे नुमाया मिसाल जो है कुरान मजीद में फैसलकुन वो है साइमल्टेनियस कंट्रास्ट एक ही वक्त में दो शख्सियतें मौजूद थी मरी इसराइल में हजरत सलाम हजरत ईसा याहिया कत्ल कर दिए गए ईसा को कत्ल करने के लिए सारी साजिश बन गई अल्लाह ने बचाया और उठा लिया कत्ल नहीं होने दिया हालांकि आप देखिए किस कदर जो है हजरत याहिया के बारे में जो अल्फाज आते हैं आसूर आल इमरान में साइमल के कंट्रास्ट जो है वहां है व हसूरन व सालिहीन, फुल स्टॉप ये सरदार भी होगा हजरत

एक नबी एक रसूल नबी कत्ल हो गए रसूल कत्ल नहीं हो सकते उन्हें अल्लाह ने जिंदा उठाया और उसकी जगह जिस सवारी ने गद्दारी की थी गिरफ्तार कराया था उसकी शक्ल हज़रत मसीह की बना दी और वो सरी चढ़ा और ये इंजील बरनबास के अंदर है ना कुरान में ये तफसी है ना हदीस में है मेरे तो ये कंट्रास्ट इस जाएग जाएग आया है यहूदी कहते हैं मरियो रसूल अल्लाह हमने कत्ल कर दिया अल्लाह के रसूल को ईसा को अब अभी अल्लाह के रसूल उन्होंने नहीं कहा है वो अल्लाह के रसूल मानते हो तो क्यों कत्ल करते वो अल्लाह की तरफ अच्छा इनका कहना है रसूल को कत्ल कर दिया अनहोनी बात रसूल तो कत्ल हो ही नहीं सकता अब आखिरी बात बाज आयात में कुरान में जहां कतल अम्बिया तो बहुत दफा आया कतल रसूल का जिक्र भी आया है वहां रसूल के बानी नबी होंगे जो से पहली बात पर शुरू की थी ये जोड़े जो हैं तफर्रका वफर्रका इसम आखिरी बात इस सिलसिले में है ये जरा तसव्वुफ वाली बात है बात जाहिल सूफियों का कहना यह है कि विलायत नबूत से अफजल है यानी सालत से अफजल है इससे मैं बकवास से कम नहीं कह सकता इसलिए मैंने कह दिया सब सूफिया की बात नहीं है जाहिर सूफिया ये जान लीजिए अबियत विलायत नबूवत ये एक कार्डर में आ रहे चले हो रहे। हर दबी पहले अब है फिर वली है फिर दबी है ये तीन दर्जे हो गए नबी रसूल बनाकर भेजा गया है जिसकी हस्ती में जिस शख्सियत की नबूत रिसाद जबा है मैंने आपको बताया था ना यूं करके कि एक नबूवत का रुख है अल्लाह की तरफ है ले रहा है ले रहा है एंटीना जैसे होता है आपका और एक यह इधर इधर उसको फैला रहा है यह नबूत है यह रिसालत है लेकिन इसमें नबूवत को अफजल कहा जाएगा क्यों नबूत का रुख अल्लाह की तरफ है रिसालत का रुख मखलूक की तरफ है नबूवत माना रूम कहते हैं मरतब उरूज में है रिसालत मरतब नजूल में है उतर कर हरा से सु कौम आया और एक की साथ लाया कोहे तुर से कहा गया जाओ हिजा बिला फिर नगा अब ऊंचाई से नीचे उतरना पड़ेगा न कोहेतूर की बुलंदी पड़ते और इसी को कहा है कि रात को क्या होता है जब अल्लाह के रसूल अल्लाह के नबी खड़ा होता है ये इसकी अबियत है ये इसकी नबूत है इसका रोख अल्लाह की तरफ है और दिन में क्या है तबलीग कर रहा है इधर जा रहा है उधर जा रहा है उससे बाद उसने कह दिया पागल हो तुम दो तो। दिल में नज तो पैदा हुआ न कुछ तकदुर तो आया ना दिल में कुछ ना कुछ तो महल आ जाता ना आदमी के मुझे पागल कह दिया ये मुझे असादक अलामीन कहते थे आज मुझे झूठा कह रहे हैं कजाब कह रहे हैं तो अब क्या है रात को रात को खड़े होकर अब जरा अंदर की सफाई करो ये तकदुर जो आ गया था धो दो, दो इसको वाला रूम ने बेहतरीन मिसाल दी है कि जब बारिश आती है तो वो फिजा को धोती हुई फिजा के अंदर जो कसाफतें हैं उनको लेकर फिर वो जमीन पर आई फिर जमीन को धोया उसने उसकी कसाफतें दरियाओं में चला गया ये सफाई हो रही है यही पानी जब समंदर में पहुंच गया अब वहां से सूरज की तमादत से वो बुखारात की शक्ल में उठ रहा है कितना साफ है वो उसमें कोई कसाफत है वो तो डिस्टिल्ड वाटर है जैसे कि आप लेबोरेटरी में पानी डिस्टिल कर ले सफाई हो रही है ये रात का मामला है जाने में अल्लाह ताला के जानब रुख है यह नबूत और ये दिन का मामला है इसमें कसाफतें भी हैं इन नहार समान तवीला बहरहाल ये जरूर हम कह सकते हैं कि जो हस्ती नबी भी है रसूल भी है उसकी नबूत उसकी रिसालत से अफजल है वह आलम मैंने आज अपनी पूरी बात आपके सामने इस मौजूद पर रख दी है अपने खुदबानी के बारे में मुझे खासा इतमान है कि बेहमदिल्ला मेरा जो माफी ज़मीर था मैं उसे सही तौर पर अदा कर पाया हूं वो क्या था खत्म नबूत या अख्ताम नबूत और उसके मुकाबले में तकमील नबूत और इसानत इनका फर्क और यह कि हजूर की फजीलत तकमील नबूत और इसानत में है खत्म नबूत में तो नहीं है आप पर तकमीर हुई है नबूत और इसानत और बदकस्मती से हमने इस पहलू को दलील के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया फिर यह कि तकवीर नबूत के, के मज़ाहिर क्या हैं? कुरान में हिदायत कामिल दीन हक कामिल निजाम जिंदगी तकमील अल अकमल तो नकुम कुम, नम तो वो नकुमत रिसालत की तकवील आलमी रिसालत पूरी दुनिया के लिए पूरे नौ इंसानी के लिए पहले और आखिरी रसूल है जो पूरी नौ इंसानी के लिए भेजे गए मार का का से बशीन और नंबर दो दीन की सिर्फ तबलीग नहीं दीन कायम करके दिखाओ बड़ा फर्क है बड़ा फर्क है बड़ा फर्क है जो तो हम जब कह चुके हैं कि यह तो एक रेवोल्यूशनरी असाइनमेंट था इनकराब बर्पा करना लेकिन आज इसमें मैं एक चीज का इजाफा कर रहा हूं जरा नोट कीजिएगाजूर की, की शख्सियत में सारत काबिल हुई नबूवत काबिल हुई नंबर तीन इंसानियत अपनी मेराज को पहुंची बशरियत की तकनील हुई वो क्यों तारीख इंसानी का मैं पिछली दफा गवाहियां दे चुका हूं अजीम तरीन इंकलाबूर ने बर्पा किया लेकिन ये इंसानी मेहनत मुशक्कत इशार कुर्बानी, सब्र इस्तकामत इसकामत मुकावमत, इसकी बुनियाद पर होगा ह्यूमन स्ट्रगल ये नोट कीजिए मोजों का अमल दखल न होने के बराबर है है मौजे मैं उसकी वजाहत भी कर दूंगा जिनको हम मौजे कह देते हैं लेकिन न होने के बराबर है ये नहीं हुआ कि भूख लगी तो मनो सलवा उतार दिया प्यास लगी तो एक चटान से बारह चश्मे निकाल दिए सामने आया तो एक आशा की जर्फ से फाड़ दिया तो नहीं हुआ मेहनत मुशक्कत इंसानी जिदोजोद सब्र मुसाबरत इशारों और बानी तो इसकातमत ये है वो चीजें इंसानी लेवल पर एट ह्यूमन लेवल ये इनकला गया अकबाल ने एक शेर कहा है गालिब के बारे में उसकी हमद करते हुए फिक्र पर तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ है परे मुर्गे तखय की रसाई ता हो गालिब तुम्हारे अशार को देखकर अंदाजा होता है कि अल्लाह ने इंसान की कवत ब के अंदर कितनी परवाह रखी हुई है तुम्हारा खबा ख्याल कहां कहां पहुंचता है वैसे मैं कहता हूँ तो इकबाल ने गालिब के बारे में जो मुबालका किया है लेकिन उनके अपने बारे में ये अल्फाज सीखे लेकिन बारह हुजूर के जरिए से अंदाजा होता है अल्लाह ने इंसान में क्या कुछ रखा हुआ है? तो ह्यूमन स्ट्रगल ट्वेंटी थ्री ईयर्स उसकी जरा सा भी नक्शा सामने आए जिसके बारे में हुजूर फरमाते हैं हम तो एक शेर पढ़ते हैं ना हुजूर की मदह में सारी सीरत की तकरीरों में हुसने यूसुफ दबे ईसा यद बैजा दारी आंच खूबा दम दारन तो तन्हा दारी फरमाते हैं तमाम अम्बिया और रसूलों को जो तकलीफें उठानी पड़ी हैं मैंने तनहा वो सारी उठाई ताइफ का दिन हो तीन साल की कैद भूख और प्यास के साथ ये हमारी कैद नहीं जेल वाली खाना तो मिलता है और ये और बी क्लास वाले तो अपने जान बनाकर आते हैं बाबा से जेल से सेहत जो है और तकड़ी हुई भी होती है वहां तो खा दे कुछ टोटल बाईक टोटल बाइक टोटल बाइकॉट तीन साल ओहद में क्या हुआ खंदक में पेट के ऊपर दो पत्थर बांधे हुए थे कि नहीं तो नोट करने की बात यह है मैंने जो बात कही है ये बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगेगी मौजुदा उसकी भी आज मैं चाहता हूँ हकत समझ लें लफ्ज मोजदा के मानी क्या है आजिज कर देने वाली शे जिसके बाद इनकार करना मुमकिन न रहे एजाज आजिज कर देने वाली वो होता है रसूल का जो या तो उम्मत की डिमांड पर दिखाया जाए या अपने दावे के सबूत के तौर पर पेश किया जाए मतलब हजरत साले की कौम ने कहा साले अगर तुम वाकई अल्लाह के रसूल हो तो देखो इस चटान जो है हमारे सामने उसमें से अभी एक गाभन ऊटनी बरामद हो जाए अल्लाह से दुआ की और गाभन ऊटनी बरामद चटान से उनकी आंखों के सामने ये तो मोजा हो गया डिमांड पर या ये है कि रसूल अपने दावे के तौर पर सबूत के तौर पर लाता जैसे कि हजरत मूसा जब गए हैं मैं आयात लेकर आया हूं अपने रब की तरफ से बताओ कौन सी आयात है क्या निशानियां लाए हो उन्होंने अपना आशा फेंका वो सांप बन गया अपना हाथ बगल में देकर निकाला वो सूरज की तरह चमकता वो रोशन हो गया यह दावा दावे के साथ इन दोनों मानी में हुजूर का कोई मोजा नहीं यहां तक के अब मैं आपको एक ऐसा मुकाम सुना रहा हूं इसको पढ़ते हुए मैं लर्ज़ रहा हूं तर्जुमा करना पड़ेगा एक मौके पर हुजूर के अपने दिल में ख्वाश पैदा हो गई कि कोई मोजता दिखाई दिया जाए इनका वक्तों का मुंह बंद हो जाए अब वो क्या कह रहे थे सरदारान ठीक है तुम नवजोत का दावा करते हो रसी को ये निशानी दिखाओ बनी साइल में है कि नहीं तुम्हारे लिए इस मुल्क शहरे मक्का के अंदर एक चश्मा निकले एक बाग बना दिया जाए एक सोने चांदी का महल बना दिया जाए तुम हमारे सामने आसमान के ऊपर चढ़कर उतर के दिखाओ और किताब लेकर आओ जवाब क्या मिल रहा है आय नवी तो कु बशर रसूला भाई मैंने तो दावा किया रसूल होने का खुदा होने का दावा तो नहीं किया आया तो इंदल्ला ये मोज़दात अल्लाह के इश्तियार में मैं अपने इख्तियार से कोई नहीं दिखा सकता इस पर एक वाक आता है जिससे कप कप तारी होती है क्या, क्या कैफियर एक जीक में आई हुई जैसे जान हजूर की थी बजाही बात माकूल थी नबूत का दावा करें तो मौजदा दिखाओ बताओ सब कहेंगे हाँ भाई ठीक है एक फूफी का दिन का भाई था जिनसे नाम मुझे याद नहीं रहा है उस महफिल से उठ कर जब हजूर के साथ वो तो रहता था सपोर्ट करता था ईमान तो नहीं लाया था अभी लेकिन आपके साथ काउन करता था जैसे हजरत अबू ताब जैसे अब थे वापसी पर उसने कहा मोहम्मद आज तो तुम्हारी कौम ने तुम पर हजरत कायम कर दी अब अगर तुम नहीं दिखा सकते मौजदा तो आइंदा मैं तुम्हारा साथ दे दूंगा उनका माकूल है तुम खुद कहते हो मूषा को यह मौजूद मिले ईसा को वो मौजूद मिले इनकी कोई हादि नहीं अब उस वक्त अगर हालात के तकाजे के तहत हजूर के दिल में भी ये ख्याल पैदा हो ही गया हो अल्लाह एक दिखाई दे मौजा और कुछ दिन तो उनके मुंह तो बंद होंगे तो आवाम को इन्होंने जो है बावर करा दिया कि ये कैसा नबी है जो मौजदा नहीं दिखा सकता हम कैसे माने नबी हम मानने को तैयार है जी बिल्कुल तैयार है बिल्कुल तैयार है मौजदा तो दिखाए ना तो बात इतनी आम लोगों के लिए दलील आम लोगों के लिए कन्विंसिंग थी उधर अल्लाह कहता मैंने मौजदा नहीं दिखा उसका एक खास सब था दिखाने के बाद कौम की मोहरत खत्म हो जाती है, फिर ईमान में लाए तो अल्लाह ताला को तो अभी इस मामले को आगे बढ़ाना था अब यहां मैं वो आपको आयात सुना रहा हूं ये सुर नाम की आयात है वलत कुमन कबलिक नाप आपसे पहले भी रसूलों की तकसीब की गई फसवरुआ नामा कुने तो, तो सब्र किया था उस तकजीब पर जो उनकी की गई और जो ईज़ा उन्हें पहुँचाई गई है हता आता हूँ ना यहाँ तक कि उनके पास हमारी मदद आ पहुँची है ला मुबद्द मातः अल्लाह के कानून को अल्लाह के तरीकों को कोई नहीं बदल सकता भलाकाजा का बनाबासरीन और देखो तुम्हारे पास रसूलों की खबरें आ चुकी हैं हमारे बंदे नूह ने साढ़े नौ सौ किया था आ चुकी है खबर है आपके पास अब अगली सुनिए फैन का ना कबराज और अगर है नबी आप पर इनका एराज बहुत ही भारी गुजर रहा है शाक गुजर रहा है क्यों नहीं मान रहे फैन सता तो अगर तुम्हारे अंदर ताकत है अंत तफा कर फिर दर्द कि जमीन में कोई सुरंग खोद लो और मुनफिस समा या आसमान में कोई सीढ़ी लगा लो फताया हमने हम दिखाई इससे भी ज्यादा सख्त शाह चाहता है इन सबको हिदायत पर जमा कर देता आने वाहीद तमाम इंसानों को दिन अल्लाह की दंगली के दरमियान हिजत फेरते एक आने वाहिद में तमाम इंसानों के दिल फेर सकता है यही अगर हमें मतलूब होता तो हम तो अपनी कुदरत का हमला से एक आने वाहिद सबको जमा कर देते हिदायत के ऊपर अब लफ्ज़ देखिए फलामिन तो देखो है नबी है मोहम्मद मैं हल्का तरीन तर्जुमा कर रहा हूं जज्बाती ना बनो ये है मामला हा हर के आदत किस्म के मामलात हुए हैं मदद भी आई है गैर गैरमरई तौर पर भी आई है गैर तभी पर भी आए। आएगी लेकिन दावे से और मतलब पर कोई नहीं है, जाए। वो सिर्फ एक है मेरे पास मौजदा है और ये कुरान जिसे ईमान लाना है इस कुरान पर ईमान लाए जिसे नहीं, जो नहीं लाएगा वो नहीं मान बड़े से बड़ा मौजदा देकर ईमान नहीं लाएगा फिर और ईमान लाया क्या कौम समूद ईमान लाई क्या ईसा को मान को जो है यहूदियों ने माना मुर्दा को जिंदा कर रहे हैं परिंदा बनाकर जो है मिट्टी का फूक मारते हैं तो वो उठता हुआ वो परिंदा बन रहा है कोहरी के जिसम पर हाथ फेर रहे हैं और साफ हो रहा है मादा दात बनाना की आंखों पर हाथ फेरा और वो देखने वाला हो गया है कौन सा बोझता रह गया हजरत ईसा से पिघोड़े में गुफ्तु कर रहा है कौन सा बोझता रह गया बिन बाप के पैदा हुआ है लेकिन क्या माना यूदियों ने तो ये जान लीजिए कि अल्लाह ताला की तरफ से हुजूर को जो बोजरा दिया गया वो कुरान है और ये सबसे बड़ा बौजदा है इसलिए कि देखिए नोट कीजिए बाकी सारे बोझदे कितने ही बड़े नज़र आ रहे सिर्फ नबी की जिंदगी में थे ना बाद में तो नहीं वो लाठिया लाठी जो थी हजरत भूसा की वो लाठिया ही रह ना और क्या रह गई वो अब भी कहते मौजूद है ताबूत सकीना में यहूदियों का कहना यह है कि मस्जिद अक्सा के नीचे में ते खानों के अंदर दबे दबा हुआ संदूक मौजूद है ताबू तो सकी उसमें आशा मौजूद है हजरत अबू सकान आलम एक मर्तमान भी है जिसमें वो मन जो उतरता था उनके लिए गंदम की शक्ल लेकर वो मौजूद है बहर हाल हजूर के लिए हर के आदत यानी खाना थोड़े लोगों का था बहुत से लोगों के लिए बरकत पैदा हो गई हुआ पानी थोड़ा था हजूर की बरकत से हजू ने अपना जो आब दहन डाला है उसमें और, और चश्मा उप जो है फूटा है तो फिर सबने पानी पी ली ये हुआ है इसको मैं कहता हूँ खरके आदत यानी आम मटीरियल और जो तभी कवानीन के से हटकर नावराई अंदाज में मदद ये आई है और आएगी इसका दरवाजा बंद नहीं है सिर्फ मोजदसूर के लिए होता था मोजद नहीं है एक ही है वह कुरान है वह अबदी, अबदी है बाकी है रहने वाला है कयामत आ, आ, तक मौजूद रहेगा चमन के माली अगर बना ले मुफिक अपना शार अब भी चमन में आ सकती है पलट कर चमन से रूठी बहार अब भी अब भी अल्लाह की मदद आ सकती है आ सकती है फिजाए बदल पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अब भी बदल में फरिश्ते उतरे कारे शौर में क्या था मकड़ी का जाला कबूतरी के अंडे अल्लाह ने बचाया जिस तरह बचाया है मदद आई है लेकिन इसके में ये खास बात ये है कि पहले अल्लाह ताला पूरी तरह ठोक बजाकर देख लेता है टेस्ट कर लेता है जब साबित कर दे कि सोना है खालिश इनकी सीरत जो है फिर ये मदद आनी शुरू होती है पहले नहीं इसका मेरे बयान में तस्वीर जिक्र बाद में आएगा जो खुदबालसा था मेरा उसमें अल्लाह के फजल करम से ये उमूर बिल्कुल वाजह हो गए क्या हजूर को एक रेवोल्यूशनरी रोल तफवीज किया गया दीन कायम करो जो निजाम है उसे उखेड़ो और दीन का यहां पर बुनियाद कायम करो गालिब करो और जाहिर बात है कि तारीख इंसानी का अजीम तरीन गंभीर तरीन जाम तरीन हमगी तरीन मोस्ट प्रोफाउंड इंकलाब वो था जो दूर ने बर्पा किया गवाही मैं दे चुका हूं एम एन रॉय एच वेल्स, डॉक्टर माइकल हार्ट और चूंकि ये सारा काम आपने एक लाइफ डाइसपैन में किया तेईस बरस इब्त में वो दावत घर घर जाकर भी गलियों और सड़कों पर भी और कोह सफा पर खड़े होकर भी वो दावत दे रहे हैं प्रीचर हैं और फिर वही शहसवार हैं वही सिप सलार हैं बदल में में तो एक इनकलाब के अमल के आगाज से अख्ताम तक हर जगह क्यादत किसकी मोहम्मद की वसल्लम इसकी कोई और मिसाल नहीं है मैं तफसी बयान कर चुका हूं लिहाजा ये नतीजा जो निकाल रहा हूं इसको नोट कीजिए इफ यू वॉन्ट टू नो रियली वट इज द प्रोसेस थ्रू विच ए ट्रू रेवोल्यूशन कैन बी ब्रॉट अबाउट यू हैव टू टर्न थ्रू दीरा मोहम्मद वो अमल कौन सा है जिसके जरिए से एक इनक्राब बरपा किया जा सकता है हम भटक रहे हैं आज निशान राह दिखाते थे जो सितारों को तरस गए हैं किसी बर्द राहद के लिए कोई दावा तो तबलीग से समझता है कि हो जाएगा खुदा के बंदो अगर ये हो सकता तो हुजूर से बड़ा हुजूर से बड़ा दाई हुजूर से बड़ा मअलि मुरबी मुजक्की को हो सकता आपको भी तलवार हाथ में लेनी पड़ी बाद लोगों ने बड़ा धंधा समझा खेल जैसे इंतखबात होते हैं इसी से काम बन जाएगा पूरी पूरी जमात पूरी पूरी तहरीक बड़ी जबरदस्त तहरीक बर्बादों कर रहे हैं भाई इंतखा से तो वही रिफ्लेक्शन होगी जो मुशरे में है जो माशरे में अकदार हैं उन्हीं के लोगों की हामिल ऊपर आएंगे जो पावर बेसिस हैं वही वो जागीरदार हों या सरमादार हों वही आएंगे या कबाइल के सरदार हों वही आएंगे तुम किस उम्मीद में चक्कर खा रहे हो महज इलमी काम तालीमी काम इलमी काम इससे कभी इनकलाब आया कभी इनकलाब अगर आपको मेथडोलॉजी ऑफ ए ट्रू रेवोल्यूशन दरकार है यू हैव टू टर्न टू दिन ऑफ द सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा फिर मैंने कहा कि ये मुश्किल तरीन काम है दुनिया का, का क्यों देखिए दावत तो तबलीग आप करेंगे कोई आपको जान से नहीं मारेगा कोई वैसे ही वैसे बुरा कह दे कुछ और कह दे मुशक्कत करनी पड़ेगी मेहनत करनी पड़ेगी चाहे वो मिशनरी हो चाहे वो तबलीग जमात के भाई हो जान का खतरा नहीं है उसमें इनकलाब में तो जान रहते नहीं पलटनी पड़ती क्यों इनकलाब के मानी क्या आप निजाम को बदल दें और निज़ाम के साथ बर, जो बरसर अकतदार तबक हैं वो हैं उनके मफाद हैं प्रिविलेज क्लासेस हैं उनके मफादात हैं वेस्टर्न इंटरेस्ट है, है मफादात हैं सरदारियां हैं सियादतें हैं चौदराटे हैं तो आप तो इन सबको खत्म करने के दर पे हो गए ये सारे जो आशियाने बने हुए हैं ये उस درخت की शाखों पर हैं आप درخت जड़ काटना चाहते हैं मट इन गोइंग दे आर बाउंड टू दिस दे विल रेजिस्ट एंड टूटेनेल दे विल रेजिस्ट टूटेनेल निजाम कोना के पास बानो ये मार्ग इनकलाब में है फको कुल्ल निजाम हजरत शाह वल्ला देहलवी के अल्फाज इस निजाम को तोड़ना चाहते हो इसके साथ उनके मफादत हैं अब इसके बाद मराहिल मैंने अपनी किताब मनहज इंकलाब नबी में जो तफसी किताब है सात मराहल बयान किए हैं इनकलाबी अमल के जो सीरत से मैंने अखज किए हैं और एक छोटा पम्फलेट जो है रसूल इनकलाब का तरीका इंकलाब उसमें मैंने पहले इस्लामी असलाहत से हट कर बताया है कि रेवोल्यूशनरी प्रोसेस के वो छः स्टेप्स क्या हैं जो मैंने इनफर किए हैं सीरत से लेकिन मैंने अपने इन खुदबात में इनको रिड्यूस किया है दो में छ प्लस वन दो प्लस वन प्लस वन कौन सा है इंकलाब एक मुल्क में आने के बाद फिर फैलता है तस्दीर इंकलाब एक्सपोर्ट करना इंकलाब का फ्रांस का इंकलाब फ्रांस में आया दुनिया में फैल गया रेवोल्यूशन रशिया में आया कहां से कहां पहुंच गया लेटिन अमेरिका में पहुंच गया चाइना में पहुंच गया हजूर का इंकलाब अरब में आया कहां से कहां पहुंच गया उस वक्त की दुनिया के तकरीबन यू समझिए कि जो भी आबाद दुनिया थी उसका तकरीबन आधा हिस्सा तो इस हवाले से तो छह जमावन और दो जमावन मरहला क्या है एक इनकलाबी जमात की तैयारी यह सबसे मुश्किल था जान देना मुश्किल नहीं है जोश में आकर जान दे देना बहुत आसान होता कि जमात बनना बहुत मुश्किल मैं वजह आप बयान कर चुका हूं इंसानों की जमात इंसानों में हर एक का अपना एक जहन है अपना फिक्र है अपने कुछ नजरियात हैं अपनी अपना लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है अपनी सतह जहनी है अपने शौर और फहम की गहराई है मुख्तलिफ है इनको जोड़ना फिर हर एक में अप, अपनी खुदी भी है बड़ा प्यारा शहर मैंने सुनाया था आपको पता नहीं याद किसी को हुआ कि नहीं बकदर पैमाना तखयल सुरूर हर शहर में है खुदी का अगर न हो ये फरे में पै हम तो दम निकल जाए आदमी का मैं मेरी राय वाई शुड आई ओबे हिम हो दो हाथ दो पांव दो आंखें दो कान उसके लिए जमात बनाना आसान नहीं है बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल एक आम जमात के मैं पांच जो है गिनवा चुका हूं खसाइस कामिल नजरियाती हम आहंगी, सिवाय इंकलाब के हर आरजू दिल से निकल जाए कोई और उमंग न रहे और इनकलाब के लिए तन मन धन यहां तक कि जान देने को तैयार हो नजम की पाबंदी डिसिप्लिन की पाबंदी के लिए अपनी अना को कुचलने के लिए तैयार हो और एक शदीद नजरियाती असमियत की बुनियाद पर गहरी अखुवत हो मोहब्बत हो कारकुनों के दरमियान ये मेरे साथी हैं, कॉमरेड हैं, और एक इस्लामी जमात में इन पांच बातों के अलावा एक छठी बात और दरकार है तजकिया नफ्स रूहानी तरक्की इनके बगैर वो जमात जो है इनकलाबी जमात नहीं बनेगी और तस्की अस का मतलब क्या है वही बात जो अभी कह चुका हूं यहां पर इनकलाब भी मकसूद ना रहे मकसूद सिर्फ अल्लाह की रजा और आखरत की फलाह मकसूद नसमुल इनकलाब भी नहीं हाँ उसके लिए जिदोजोद करना मेरा फर्ज है मैं मशगूल हूं मैं जिम्मेदार हूं अल्लाह के यहां सवाल होगा तुम बातिल निजाम के साथ बड़े आराम से चलते रहे तुम एवेटर्स हो तुम उस निजाम को सपोर्ट करने वाले थे तुमने उस निजाम के साथ रिकनसाइल किया यू आर सर्विंग सिस्टम तुम उस निजाम के तहत फैल रहे थे फूल रहे थे और फल रहे थे दुनिया में तुम हिजबुल्लाह में नहीं थे में थे जैसे कभी कहा बुश ने या पावल ने यू आर विदस्ट और अगेंस्टर्स ये कहने का हक अल्लाह को हासिल है यू आर विद मी और विद शैतान या तुम हिजबुल्लाह में हो या हिजबुल शैतान में हो हिजबुल्लाह से बगावत निज़ाम शैतान इसलिए बगावत नहीं करते तो हिजबुल्ला हिजबुल शैतान में हो बगावत का पहला कम से कम मरहला मन, क्या है नफरत हो उस निजाम से ताबन न हो उस निजाम के साथ सर ना किया जाए उस निजाम को प्रमोट ना किया जाए उस निजाम को उस निजाम के तहत फलने फूलने की कोशिश ना की जाए अगला मरहला जबान से कहे गलत है, गलत, है, गलत है। और अगला मरहला हाथ से आओ मैदान में भैया नहीं फैलफा बिशा नहीं फैलफा बल अच्छा अब इसके बाद हमने जो पिछला मेरा खुदबा था उसमें खासे खला रह गए थे मुझे पुर करने आज इस तब्दीली या इंफरादी इनकलाब इन्फिराद के लिए पहले लोगों को तैयार करना है और जमात बनानी है तरीके का क्या बुनियादी तौर उसके लिए मैंने आपके सामने रखा था कि जो तीन आयतें कुरान में आई हुदूर के मकसद बेसत के लिए होल्ल अरसला रसूलू बिल हद वीन रहीदीन तो चार मरतबा चार असलाहत के हवाले से ये जो बुनियादी असासी इंकलाबासी इनकलाब अफराद को बदलना पहले अफराध बदलेंगे फिर वो जुड़ेंगे तो ताकत बनेंगे और बातें को खत्म करेंगे तो उसके लिए चार अश्लाहत और ये बात पहले भी मैंने कही थी, आज फिर कह रहा हूं अगर चे तकरार पसंदीदा शे नहीं होती कलाम में कुरान में वो बात तीन दफा आई होदा और कुरान की शान ये है कि यहाँ तकरार जो है वो बोरिंग नहीं है कुरान के कलाम में लेकिन ये क्यों है तकरार ताकि इन अल्फाज की अहमियत को समझ कर उस पर अपनी तवज्जो मरकूज कर दो और चार दफा ये अल्फाज आए एक दफा सुरहे बकरा में हज़रत इब्राहिम और हजरत इसमाइल की दुआ में आए उसके बाद उस दुआ की कबूलियत का ऐलान भी सूर्य बकरा ही में हो गया दुआ है पंद्रवें रुकों में वो है अट्ठारहवें रुकों में फिर उसका यादा हो गया सूर्य आल इमरान में जो कि सूर्य बकरा का जोड़ा है और फिर सूरज जुमा में जो सूरह सफ़ का जोड़ा है

जहां दो से ज्यादा किसी आयत के बाद अल्लाह के नाम या सिफात आती है वरना दो 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 अलीमुल ख़बीर, गफ़ूरुर रहीम दो दो लेकिन एक ये जगह जिसमें चार दफा है एक सूरह हदीद जिसमें चार दफ़ा है चार अल्फ़ाज़ हैं और एक सूरह हश्र जिसमें आठ अस्बाज अब यहां पर अल्लाह की पहली क्या अब शाम क्या आई मलिक उसके फरामीन है ये आयात कुरानियालू अल आयात ही दूसरा अलकुदूस पाक उसका अक्स क्या है पाक करो इनको कुरान जिन्हें खींच कर ले आया है ए नबी मैंने पाक करो वह युज अलबलेक्कुलद्दूस अजीज जबरदस्त उसके कवानीन इन्हें सिखाओ जो अल्लेबल किताब आखिर की तालीम दो युसबाफिकमीम एक नुकते पर मैंने पिछली मर्तबा इशारा किया था हजरत इब्राहिम और इसमाही दुआ में तरतीबरा मुखलिफ मुख मुख रह मुख है दुआ क्या थी रबाना रसूल यतेम वाह आए हैं उसमें तस्किया पहले आ गया है यतलू वही आयाते ही वहीजक की वही मोहम्मल किताब अवल तो एक बात तो मैंने ये अर्ज की कि हम ये नहीं कहेंगे कि पहली तरतीब गए इब्राहिम और इस्माइल की यह बात गलत तो नहीं हो सकती लेकिन जो अल्लाह की तरफ से आई है तो इम्प्रूवमेंट जरूर है इसमें किसी न किसी पहलू से बेहतरी है बेहतरी हो सकती है और वो दो एतबार से नबवी तालीम और तरबियत का बलन तरीन मकाम तालीम हमत और जबकि अभी इंसान अपने बचपने के दौर से गुजर रहा था फिक्री और जैनी अतबार से तो हिकमत का तो वह अहल था ही नहीं अभी वहां बलंदरीन शह तस किया पाक कर देना और उसके बाद हमारे यहाँ बदकिसमती खान का ही निजाम में यही चीज बन गई तस किया तस किया तस किया मांझे जाओ रगड़े जाओ फिर उनको भी लगा दो तो मांझो रगड़ो वो जिनको मांझ रहे रगड़ रहे उन्हें किसी इंकलाबी अमल में नहीं शरीक कर रहे हुजूर ने भी मांझा है रगड़ा है पाक किया है साफ किया है लेकिन फिर लगाकर बनाकर उसे बाकी के साथ टकरा दिया है यह है काम तो पहली बात तो यह है कि हुजूर के तालीम तरबियत का नुक़ः तालीम हिकमत है उसकी वजह बड़ी अहम आ जाएगी बाद में जबकि हमारे खानकही निजाम के अंदर तस्किया है और उस वक्त भी जबकि अहद तफूलियत में इंसान था तो तस्किया ही था और दूसरी अहम बात बहुत ही अहम है यह तालीबुल किताब मैंने कहा था इसे मुराद है कानून शरीयत की तालीम और तनफीस उससे पहले तस्किया लाजिम हो जाना चाहिए अगर तस्किया नहीं हुआ है यानी आपके इरादे उमंगे नीयतें खालिस नहीं है तो जो इल्म आपको हासिल होगा वो गलत नुख परार डाल आप जाएंगे उसको इस्तेमाल करेंगे दुकानदारी करेंगे आप आप इल्म की दुकानदारी कर सकते हैं आप रूहानियत की दुकानदारी कर सकते हैं इल्म रा बर जनी मारे बोवत। इल्म रा बर दिल जनी यारे बोवध अगर इल्म को दिल पर डालोगे तो ये तुम्हारा यार है साथी है दोस्त है और तन पर डाल दोगे तो ये तुम्हारा सांप है डसेगा यो लमाय सू कहां से पैदा होते तस्किया हुआ नहीं और इल्म का जो है बहुत बड़ा खजाना जमा कर लिया तो क्या करेंगे अगर नीयतों में फतूर है तो फतवा फरोशी भी तो होगी ना फिर दीनी दुकानदारी भी तो होगी फिर और ये बात इतनी यकीनी है जरा सोचिए तब एक काबीन जो तीसरी नस्ल है ने फरमाया खैर लजीना लजीन उस खैर के तीसरे हिस्से में हजरत अब्दुल्ला अब्द मुबारक रहमत पैदा हुए हैं मुजाहिद भी थे आलिम भी थे मुहदस भी थे उनके दौर का हाल यह हजरा उनके शेर को सुनिए वीनाक वो स्वामी व रोहान दीन में जितना फसाद और फितना उठा है वो या बादशाहों ने उठाया या उलमाए सू ने उठाया या जो दुकानदार सूफी होते हैं उन्होंने उठाया और ये बात कब की हो रही है ये दौर तब ताबीन का दौर है। इसी को भी इकबाल ने कहा बाकी ना रही तेरी वो आई ना जमीरी कुश्त मुल्लाई सुल्तानी वीरी यी वीन इजल मलूक वह बार रोहबानी तरीके से राहिब जो दुनियादार राहिब अब आइए ये।, ये जो चार अलफाज इन पर जो गुफ्तु हुई थी पिछली मरतबा थोड़ा थोड़ा सा उसमें मुझे इजाफा करना है तिलावत आयात का मैंने एक मकसद बयान किया दूसरा और अहम तर मकसद रह गया वो जो मुझे अब खलापुर करना है पहला मसल क्या था मैंने कहा था कि कुरान एक मैगनेट है जो सलीम फितरत लोगों को खींच लेता है वो लोहे का बुरादा और लकड़ी के बुरादे को अलग करने के लिए क्या करें वो तो तजर्बा सामने रखिए जिस शख्स के अंदर रूह अभी मरी ना हो जिसके दिल पर हिजाबात इतने मजबूत ना हो गए हों कि उसके अंदर जो है ईमान की रोशनी दाखिल ना हो सके उसको छोड़ दीजिए जिसकी भी रूह अभी जिंदा है चाहे कमजोर है जहीफ है नहीफ है डॉमेंट है कुरान उसको खींच लेता है, जैसे मैगनेट मकनातीस लोहे को खींच लेगा तो दर हकीकत चूंकि ये दोनों एक जगह से आए हैं रूह इंसानी कहाँ से आई है अल्लाह के पास से वो जमीन की शय नहीं है तो इस खागदान से नहीं ये खाकी शह नहीं ये खाकी हमारा हैवानी मौजूद है और कुरान कहां से आया है अल्लाह के पास है। खराजा मिनल लिहाजा ये कहेंगे हम ग्राही हैं असकोजा मिया आवाज दोस्त ये मेरे दोस्त की आवाज कहां से आ रही है ये जो दिल के अंदर रूह अगर है अगर जिंदा है इट डांसिस टू तो द ट्यून ऑफ कुरान और वो आपके पास आ जाएंगे दूसरा काम क्या है यही कुरान अब इनके अंदर ईमान पैदा करेगा यकीन वाला इसके लिए अहम दर्ज क्या आयत आयत किसे कहते हैं? निशानी निशानी क्या मतलब इसका सादा से मिसाल बहुत दी मैंने आपके दोस्त ने कभी आपको को बहुत मुलाक़ीमती पेन दिया था आपने उसे इस्तेमाल नहीं किया उसे खराब नहीं किया बहुत संभाल कर कहीं ट्रंक के अंदर रख दिया साल हर साल बीत गए ना दोस्त याद आया ना अब कलम याद आया कभी ख्याल ही नहीं ना कभी मुलाकात अचानक आपने ट्रंक खोला और वो कलम नजर आ गया दोस्त याद आ जाएगा कि नहीं क्या इसमें किसी इंटेलेक्चुअल एफर्ट की ज़रूरत है क्या जिद्दोजहद ये खुद बखुद इसी का नाम तजुर है याद कर लेना चेता करना चेता करना ये हमारे शाह अब्दुल अब्दुल्काद ने गालिबा तर्जुम ये किए क्योंकि वो आज से तकरीबन यूँ समझिए कि सौ सवा सौ साल पुरानी जो है उर्दू थी उसमें हिंदी के अलफाज काफी है चेता उस रोज चेतेगा इंसान तो ये चेतना जो है इसीलिए आपको मालूम है कुरान मजीद में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है वो क्या है जिक्र इन्ना इन्नाजल जिक्रा वाह इन्ना तज़क़ीर जिकरा बिल कुरान में खाफ वाईद अब ये आयात जो है दर हकीकत तीन है अजमु कुरान आयात आफाकी खोलाक जमी देख फलक देख फजा देख

فيها من كل دابة وتصريف الرياح والصحاب المسخر بين السماء والارض لا ياتي لقوم يعقلون. كيف ما في انفسكم وفي انفسكم فلا تبصرون. سنريهم آياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. जब कुरान नाजिद हो रहा है तो अभी साइंस का इल्म तो बहुत कम था लोगों के पास कुरान फरमा रहा है ये बढ़ेगा 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 और हमारी आयात तुम्हें नजर आएंगी पता चलेगा तुम्हें गैलेक्सीज किसको कहते हैं और कितनी गैलेक्सीज है तुम्हें मालूम होगा अभी क्या पता तुम्हें वो समझते हो कि शायद एक दो मील के ऊपर आसमान है कुछ छत है अल्लाह खैर सला और क्या समझेंगे इलाहिया और फिर वो आयात जो हन्फुस में है आज आपको मालूम है जीन्स और जेनेटिक्स और जो एम्ब्रियोलॉजी इलमीन वो कहां से कहां पहुंचा हुआ केथल मूर जो इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा एम्ब्रियोलॉजिस्ट है जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एम्ब्रियोलॉजी है टोरंटो तो यूनिवर्सिटी का कैनेडा का उसने किताब लिखी हैरत होती है, हो है कि कुरान आज से चौदह सौ बरस पहले एम्ब्रियोलॉजी में डेवलपमेंट की स्टेजेस इतनी खूबसूरती से बयान कर रहा है आयात आफाकी आयात अनफुसी, और आयात कुरानी ये तीनों मिलकर आयात कुरानिया का इसमें काम क्या है कैटलिटिक एजेंट आपने कैमिस्ट्री में पढ़ा होगा दो शॉर्ट्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं वो तीसरी चीज आकर इंट्रैक्शन शुरू करा देगी एक्शन वही में होगा वो बरकरार रहेगा जुगत वो यूज नहीं होगा वो कैटलिटिक एजेंट कह था कुरान की आयात कैटलिटिक एजेंट्स हैं जो अपने साथ आयात आफाकी आयात अलफसी को लेकर और इंसान के दिल में जो सोया हुआ ईमान है उससे उभार कर इंसान के शूर की सतह पर ले है यतलू अल आया और कुरान मजीद में सूर्य नूर में जो फरमाया गया अल्लाह नूर समावाते दो नूर हैं, एक नूर फितरत है दिल में और एक नूर कुरान है नूरुन अला नूर नूरे फितरत नूरे कुरान मिलकर नूरे ईमान बनते हैं ये पहला दर्जा है पहला अमल है का वही और उनको पाक करता है तस्किया करता है वो मैं तफसी से बयान कर चुका हूं बागबान का जो फेल होता है जो उसने पौधे लगाए हैं फलदार फूलदार तो उनके आसपास पास झाड़ जकाड़ को खोपा लेकर काट के फेंक देता है क्यों वो खाम खा जो जमीन की अंदर जो कुत है नमू की रजा है वो वो भी ले रहे के लिए। वो मेरे पौधे को मिलना चाहिए सब कुछ फिजा में से ऑक्सीजन वो भी ले रहे वो तो मेरे को मिलने चाहिए। इसका नाम तस्किया है इस दरख्त या पौधे के परवान चढ़ने में जो शेर रुकावट बन रही है उसा दो तस्किया इसके पानी पाक कर देना ये पाक कर देना जो है मैं तफसी से आप बयान कर चुका हूं कि इसमें जब कुरान अंदर जाता है इंसान के उसके अंदर पूरी शख्सियत तब्दील होती है सबसे पहला उसका फिक्र बदल, तहिर फिक्र जो ख्यालत नजरियात तस्वुरा अकायद तवहमात, जो यहां थे इनको साफ करता हुआ नीचे जाएगा फिर तस्वीर कल्ब करेगा तजलिया रूह करेगा तस्किया नफ्स करेगा चूं बजा दर रफ्त जाबू दीगर शबद शुद्ध जहां दीगर शबद अब मैं क्या करूं मुझे अम्मा इकबाल ने जिस अंदाज में कुरान की अजमत बयान की मुझे तो कहीं और नजर नहीं आए कर तुम भी खा ही मुसलमान नीस्त मुमकिन जज्बर से आ किताबें जिंदा कुरान हकीम हिकमत ऊलायदाद कभी हर फे उरा रहे है तबलील नए आया शर्मिंद तावील नए फाश गोयम आचुदर दिल मुजमर अस्त ये किताबें नीस चीजें दीगर अस्त चूं बजा दर जहां दीगर शब्द दिमाग में उतरेगा इसको साफ करेगा गंदगियों से गलत नजरियात गलत अकायद ये डारविज्म ये फलां ये फ्रायडिज्म ये मार्क्सिज्म ये एडलरिज्म बैक्टूगरिज्म ये सब के सब मटीरियल ये सारे इनको साफ करता हुआ दिल का साफ करेगा रूह को जिला देगा रोशनी बढ़ाएगा का तस्किया करेगा ये है युज की हिम बदरिया कुरान अब इसमें ये भी है कुरान मजीद खुद कहता है अपने आप को कि ये क्या है या रबे को शिफाउन सुदूर ये शिफा है तुम्हारे सीने के अमराज के लिए हमारे खानकही निजाम ने इसको छोड़ा वो जिक्र के उसकी तंबी लंबी तस्वीर है उसकी जरबें लगा लगा कर क्या क्या क्या, क्या कहां से लिए चीजें मानते कि हजूर ने तो नहीं कराया ये हजूर का तरीका तस्किया नहीं है मानते तस्लीम करते भाई तो क्यों उसको छोड़कर इसको इख्तियार कर रहे हो ये है शिफा है लोगों तुम्हारे पास आ गया है तुम्हारे रब की तरफ से मुआवजा वास जो दिल को नरम करता है आपको मालूम है जमीन पहले जो है आप हल चला के नरम करते फिर बीज डालते हैं फिर फसल उगती है ऐसे जाके बीज डाल देंगे तो बीज भी ज्यादा हो जाएगा तो पहले दिल को नरम करो वो मुआवजा से जात को मुआवजा तुम रबे अब जब उसमें जो कुरान का बीज उतरेगा तो शिफाउन सीनों में जो रोग हैं हब्ब दुनिया है हब्ब माल है हब्ब शाहवात हैब्ब शाहवातना वल करातबल वल वालामष ये सारी चीज़ें निकलेंगी सिफाई होगी इसका नाम तस्किया है सुर बड़ी साहिब ने भी कहा में में से हम वो चीजें उतार रहे हैं जो अहले ईमान के लिए शिफा है और रहमत है। हमने इसको बंद किया हमें अलहदा बहस हो जाएगी जानना नहीं चाहता एक अलहदा मौजूद है कुरान से उम्मत दूर क्यों हुई कैसे हुई उसके तदरीजी मराही क्या थे हाउ इट फेर इन टू दैकग्राउंड कुरान बैकग्राउंड में चला गया हदीस और फ़िका आगे आ गई इल्म कलाम आगे आ गया कुरान की हमत पीछे रह गई ये एक बहुत लम्बा बड़ी तलख दास्तान है ये तकलीफ़ देह दास्तान है बहरहाल तज किया उसके लिए क्या है एक ख़ास नुकता मैं आपको आपको बता रहा हूँ इसमें भी मेरा खौफ है आम आदमी शायद उसमें कुछ बिलकेगा डॉक्टर बुरहान अम फारूकी साहब ने मरहूम ने जो कुरान किताब लिखी थी उन्होंने एक नुख्ता बहुत अजीब बयान किया वो कहते हैं कि कुरने मजीद बताता है कि तस्किया और तालीम के लिए दो चीजें लाजिम हैं दोनों मिलकर एक वाहनत बनती हैं रसूल और किताब सूरह भैया में फरमाया

जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई है और जिसके अंदर खुतुबियम है रसूलुतरातब तो बैना बराबर है कुरान तलाक में फरमाएगा जिक्रा जिक्र क्या है कद अंजलना, कद अंजला जिक्रा। और जिक्रा क्या है रसूलू आयात बनात जिक्रा क्या है रसूल जबा किता अब ये एक हुआ ब्रैकेट हमारे यहां ये हुआ है जो हजूर की अजमत हजूर का मकाम हजूर से मोहब्बत हजूर से इश्क कुछ हकीकी कुछ बनावटी कुछ दिखावे का जो वाकई वाकई भी है इस दोनों के मरकब में से रसूल के पहलू पर इतना जोर दिया गया कि कुरान की अहमियत कब होती चली गई समझ रहे इस बात को नाजुक बात है इस जोड़े में से एक पर इतना बस जी सारी जो थी वो तो सोहबत की, की तासीर थी तो वो सोहबत तो अब हमें तो नहीं मिल सकती फिर क्या करेंगे और हमसे तो ये मुतालबा है कि दीन को कायम करो वो जो मैंने कहा आज आपके सामने कि खालिश इंसानी सजह पर जिद्दोजोहद करके आपने दीद को कायम किया है तो हम पर हुज्जत कायम की है ना कौन सी तकलीफ मैंने नहीं उठाई तुम क्यों डर रहे हो मेरे दांत नहीं टूटे मेरा खून नहीं बहा मुझे फाके नहीं आए मैं कैद में नहीं रहा तीन साल मैंने कौन सी तकलीफ नहीं उठाई तो ये हुज्जत कायम ही की हमारे ऊपर इंसानी सतह पर जिद्दोजोहद करके करके दिखाया है इसलिए कि अब आइना रसूल नहीं है नबी आने वाला नहीं है कोई मोजरा नहीं आने का इम्कान नहीं है उसके लिए ये है तो ये तस्किया। तस्किया के लिए कुरान बहुत बड़ी शे कुरान कुरान के जरिए से वो निकाल रहा है बिनात नूर निकाल रहा है कुरान के जरिए से अंधेरों से रोशनी की तरफ तो यह बात नोट कर लीजिए कि तस्की का मामला भी कुरान है यही जब शिफा यही है तो आयात ही में तो कुरान है ही है तस्किया भी कुरान है इसमें कुरान जमा नमाज किताब का सलाह नंबर दो खास सलात तहजुद क्याम नंबर तीन सोम नंबर चार इनफाक ये नुस्खा है चार तजकिए का जो बताता है कुरान मजीद और खुद कुरान मजीद आपके जहन से उतरकर कल्ब से होते हुए आपके पूरे वजूद को धोकर साफ करता है तालीम किताब ये तफसर से मैं बयान कर चुका था उसमें मुझे कुछ और नहीं बयान नहीं करना है इसलिए कि कुरान मजीद में जब आहकाम आते हैं तो कोते बाले गुम कोते बाले गुम कोते बाले को यानी अगर आपका हल चल चुका है दिमाग में भी चल चुका दिमाग का ततहर हो चुकी है नफ्स की तस्हीर हो चुकी है अब यहां आकाम डालो इनके अंदर बीज डालो वो लह लहाती हुई खेती बनेंगे बल्कि मैं पिछली बर्तमें बता चुका हूं खुद अंदर से डिमांड उतरती है या सलूना का या सलूना का या सलूना का अब तो तलब पैदा हो रही है तलब पैदा हो रही है ये आपसे शराब के बारे में पूछते हैं जुए के बारे में पूछते हैं ये आपसे हैज के बारे में पूछते हैं ये आपसे अशर हरों में कताल के बारे में पूछते हैं ये आपसे वसीयत के बारे में पूछते हैं ये आपसे पूछते हैं ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं क्यों पूछ रहे हैं वो तलब अंदर से पैदा हुई है वो तलब पैदा हुई है तो आपको गजा दी गई है अब ये जो है खेती आप लगाएंगे अहकाम की तो खेती जाहिर बात है कि वह उपजेगी वो फलेगी फूलेगी शत फाद रहू फस्त फ आदा सूती ये नतीजा निकलेगा अगर जहन की तथी नहीं हुई आप नमाज पढ़ा करो भाई नमाज पढ़ा करो क्या असर होगा उस पर बहुत शरीफ होगा तो आपके सामने पढ़ लेगा बाद में क्या और अगर जरा ज्यादा जरी हो गया आज का तो ज़्यादा जरी है क्या रखा है आप नमाजों के अंदर क्या होता है नमाजों से ये सारे नमाजी जो है ये सारे हाजी जो है क्या करते हैं ये इनका कारण इनका क्या इनके अखलाक क्या है इनके मामला क्या है क्या फायदा क्या रखा है इसमें ये क्या कह दिया कि ये नमाज जो है ये जो तो दूर करती है बुराइयों से कौन कौन सी बुराई से दूर होते है ये नमाजी कहेंगे कि नहीं तो तस्किया फिर योहल मोहम्मल किताब और उसके बाद हिकमत हम्म पहली बात तो हिकमत के बारे में मैं पिछली बार तो बता चुका हूं कि हिकमत को भी इमाम शाफी ने करार दिया इससे मुराद सुन्नत है यानी जब कुरान का लफ आग आयात तो कुरान हो गया और किताब तो कुरान हो ही गया तो ये शायद कुछ अल्लाह नहीं है वो कुरान ही मेंबिन ये है वो चीज़ें जो हमने के दौर से आप पर दाखिल की है और फरमाया फूतिया खैर कसीरा तो यकीन आहकाम कुरान में भी है लेकिन हदीस में भी है फ़िका में उनकी तरतीब की गई है हमत कुरान में भी है हदीस में भी है नाजिर मोती आपको हदीसों में मिलेंगे और बसा अवकाल मैंने जो देखा ज़यीफ़ हदीसों में ज़्यादा मिलते हैं वो सनत के एतबार से जो है पूरी नहीं उतरती लेकिन ज़यीफ़ और मौजूद और होती है मौजूद में नहीं ज़ीफ़ में बड़े की ये आप सबके नजदीक मुतफ़ा के, नज़ीक है के कि से कोई शरी साबित नहीं होगा लेकिन उसके कोई आप हासिल कर सकते जो कुरान के कई मनाफी ना हो किसी जगह पर दूसरी चीज में हवी से टकराती ना हो अब हिकमत असल में दो तरह की हैं इसे अच्छा इस समझने की जरूरत है हुकम कहते हैं अरबी जबान में किसी चीज का पुख्ता हो जाना इसके लिए बेहतरीन जो है जो आपके सामने रहना चाहिए इस्तेकाम है मुल्क मुस्कब है यानी ये अपने खिलाफ किसी भी हमले को जो है झेल सकता है उसका जवाब दे सकता है अपना दिफा कर सकता है तो इंसान के अकल और शूर की पुख्तगी का नाम हिकमत है हमत दो तरह की है यह है असल में समझने की बात है। मत उसूली या हमत ईमानी वो जो मैंने शुरू में कहा ईमान की बेटर फिजिक्स ईमान का वर्ल्ट श्वाउंग ईमान का वर्ल्ड व्यू ईमान का फलसफा लेकिन उसकी गहराइयों में उतरकर उसके अज्जा के बाहनी रफ्त को समझना यह जानना कि ईमान बिल्ला खाल सतन सिर्फ फितरत पर बबड़ी शह है अलबत बाकी वहां फीत फितरत के साथ मंतिक भी लगेगी और कुरान मजीद के अंदर भी आपको वो सारी चीजें जो है एक अकली और हकीमाना निज़ाम के साथ देनी होंगी इसी को कहा मौलाना रूम ने चंद खानी हमत यूनानिया हमत कुरानिया रहा हम कब तक यूनानियों की हिकमत पढ़ते रहोगे अरस्तों की मंतिक इब्न रुशद के जरिए से कहीं से होकर हमारे यहां पहुंच गई इबन सीना फारामी ये वो सब क्या है उनके गुलाम शरे लिख रहे या अगर सूफी मिजाज लोग हैं तो अफलातून और प्लोटाइडसम कुरान को हिकमत का जरिया बनाकर हिकमत से बात एक है हिकमत ईमानी एक है हिकमत उस या तफसीली या तफसी यामत यानी हमत अहकाम ये, आ, ये क्यों दिया गया ये चीज क्यों फर्ज की गई आखिर अल्लाह ताला का जो उस है वो क्या है फेल उलकीम लाखलूनिकम किसी हकीम हस्ती का कोई फेल भी हिकमत से खाली नहीं हो सकता तो अल्लाह ने जो हुक्म दिया है से खाली नहीं है समझ लेंगे तो उस पर अवल आसान हो जाएगा वैसे तो ये समझ में आए ना आए आपको मानना है आप मोमिन है आपने अल्लाह को माना है मानना पड़ेगा लेकिन अगर उसकी हिकमत समझ में आ जाए तो आपका सोना सीना खुल जाएगा उसको कबूल करने के लिए जहन बेदार हो जाएगा तबीयत की अपनी आमादगी हो जाएगी हमत जो है वो जो आता है नवर कलूबना बिल ईमान वशरा सदूर अना इस्लाम हमारे सीनों हमारे दिलों को तो ईमान के दूर से मुनवर कर दे और हमारे सीनों को खोल दे इस्लाम के लिए इस्लाम आकाम है ये करो ये ना करो और जिन चीजों से रोका गया खुदा के बंदोज समझो वो तुम्हारे भले को रोका गया है उसकी मैं मिसाल दिया करता हूं आज आप जाइए मरी वो जो सड़क पहाड़ी चढ़ते हैं आप तो जगह जगह निशान अपनी रफ्तार कब करो अपना ये करो अब मोड़ आगे आ रहा है ये सब करते कि नहीं तो कहें क्यों कौन होते है वो हमें रोकने वाले कौन होते भाई रोका तो है तुम्हारे लिए आगे खाई है तेज रफ्तार में मुड़ोगे जाओगे सीधे खाई के अंदर इट्स फॉर यू तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारी हयात के लिए है तो दर हकीकत तो शरीय दी गई है हमारे अपने लिए हमारी शख्सियत की ताबीर की ताबीर इस इसकी ताबीर इस सीरत इसकी खुदी की ताबीर ये सारा काम उसको हिकमत के जहाज अब इस पर जो है एक तारीखी किताब है حجتullah البالغا इमाम امام الهند शाहवलीउल्लाह दिल्ली रहमतुल्लाह अलैहि ये मास्टरपीस है उसमें जो पहला इब्तिदा हिस्सा है वो जो हिकमत उसूली वाला है उसमें मुझे कहीं-कहीं इختلاف उनसे है लेकिन हिकमत अल अहकाम पर मैं समझता हूं कि वाकई वो एक encyclopaedia बेहतरीन तो अब इस हमत अहकाम को जमा करके फिर निजाम बनते हैं ये सियासी निजाम होगा ये माशी हमारा निज़ाम बन जाएगा वरना निज़ाम कुरान में लिखा हुआ कहीं नहीं है अहकाम है ये हलाल ये आराम उसी के हवाले से फिर हम बनाएंगे कि हमारा माशी निजाम ये बनता है हमारा माशरती निजाम ये बनता है हमारा सियासी निजाम ये बनता है तो गोया के लॉ एंड सोशल साइंसेस इन दोनों का जो मबना है वो हमत तफसीली है तशरी कह लें तफसीली कह लें फरोही कहें और ईमान उसका फलसफा हमत उस या हिकमत ईमानी अब वो जो पिछले लेक्चर की आखिरी बात जो बहुत ही तिश्ता रह गई थी जमात के लिए समोताज इसकी मश क्या है हुक्म मानो इब्तई मरहले में कोई फॉर्मल बैठक नहीं थी कोई निजाम नहीं था बस अल्लाह के रसूल को माना है तो हुक्म मानना पड़ेगा बात हमने नहीं भेजा किसी रसूल को मगर ये कि उसकी इतात की जाए अल्लाह के हुक्म से लिहाजा जिसने अल्लाह के रसूल को मान लिया इताअत कर दी है पिछली दफा में वो मदर से पहले की जो मुशावरत थी वो बयान कर चुका हूँ हजरत साजम का कौल कान नामी ना या रसूल फैन अमन ना बेकार सब दखना का हम ही माना है आप पर आपको अल्लाह का रसुल माना है अब हम आपके किसी हुक्म से सरताबी कैसे कर सकते हैं जो आप जो आपका हुक्म होगा हम अपनी उटनियों को दुबला कर देंगे बरकुल गात तक पहुंचा देंगे और अगर आप समंदर में उतार देंगे अपनी सवारी हम भी उतार देंगे लेकिन इसकी जो मशक हुई है वो असल में मेरे जो आज का जो है उसके अंदर आने वाली बात है और वो मैं आज कितना कवर कर सकूंगा मैं कह नहीं सकता लेकिन बहरहाल बिस्मिल्लाह करके शुरू कर रहा हूं असल में जो बराहिल आते हैं तसादुम के उनकी अब हमें बात करनी है देखिए पहली बात हमने समझ ली इनकलाबी अमल का लाजमा तसादु इससे बचकर इनकलाब भी आ सकता अगर कोई बड़ा अमन पसंद है तो घर में बैठे और जो बात इनका गलगला चल रहा है उसको बर्दाश्त करें बस सलाह इफ यू वॉन्ट टू चेंज चेंज इज सिस्टम तसादुम नागुजीर तसादुम क्या है जिहाद जोहद से बना जिहाद जब जोहद जोहद को मुकाबले में आती है तो जिहाद हो जाता है कत्ल कतल कतल के मुकाबले में आएगा मुकातला, मुजाहदा, एक इंतहाई बारीक नुकता है बहुत अहम है तसादुम कौन शुरू करता है पहला सवाल है आप कहेंगे अफकु फार ने किया उन्होंने किया मुर्शिक ने किया गलत तसादुम हमेशा इनकलाबी शुरू करता है वो कहता है यह गलत तुम्हारे ख्याल गलत तुम्हारे अकायद गलत तुम्हारे नजरियात गलत तुम्हारा निज़ाम गलत तो वो तो माशरा जो था वो एक साकिन जैसे तालाब है उसमें पानी खड़ा है चाहे वो वहां जालिम था मजलूम तलबे तकदीर थे माने हुए थे रह रहे थे अमन था जैसे डाकुओं का डेरा हो तो अमन होता है ना वहां वहां डाकू आपस में तो निटते तो बुरे से बुरा माशरा होगा पूरा मंद तो होगा वो मके का माशरा पूरा मंद था ये इस खड़े हुए पानी में पहला पत्थर किसने फेंका गलत है ये तुम्हारे निजाम गलत है तुम्हारे आलिहा बातिल है कोई इलाज नहीं अल्लाह के सिवा और ये सरमाएार और जो खाना नहीं खिलाते गरीबों को यतीमों को धुतकारते हैं उनकी नफी की नहीं की क्या वो लोग देख नहीं रहते किन के ऊपर ये, ये पड़ रही है जद तो पहली बात जान लीजिए कि तसादुम का आगाज इनकलाबियों की तरफ से होता है और मैं यहां चाहता हूं कि कुरान मजीद की जो साफ बयानी है पुरान मजीद में एक आयत वो है जिसे मैं कहता हूं कि इनकलाबी फलसफे की उड़िया तरीन आयत उ का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं मैं नंगी आयत नंबर चौबीस है ये सुर हदीत की लक़त अरसल्ला रसुल्ला बिल्बइ्य हमने भेजा अपने रसूलों को वाज निशानियों के साथ वो अंजलना माहौल किताब अवलमीज़ान उनके साथ किताब भी उतारी निज़ान भी, भी उतारे शरीय और कानून और फिर यह के अदल का निज़ाम ये सब क्यों किया आपने ये कोई हमारी हॉबी थी हमारा शौक था क्या था ले ना सो बिल किस ताकि लोग अदल पर कायम हो जुलम खत्म हो एक्सप्लाइटेशन खत्म हो रिप्रेशन खत्म हो ये किसान पर जो जुलम हो रहा है ये मजदूर पर जो जुल्म हो रहा है खाजहाज खूने लगे मजदूर साजद लाल नाब अस दफाए देखोदाया किसने देखाना खराब इनकलाब इनकलाब है इनकलाबा हमने ये सब कुछ किया किताबें उतारी मोजे दिए रसूलों को ताकि लोग अदल पर कायम हों नंबर एक वनजल हदीद हमने लोहा भी उतारा है फी बासदीद उसमें जंग की सलाहियत है बहुत सख्त तलवार बनेगी डाल बनेगा नेजा बनेगा वले वाले या बिलगैब और ये इसलिए है कि अल्लाह देखना चाहता है कि कौन है उसके वो वफादार बंदे जो इस लोहे की ताकत को लेकर अल्लाह की और उसके रसूल की मदद करते हैं यानी इसकी ताकत से जो उसके बुखारी बनकर सामने आम के सर कुचलते हैं ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कुरान नहीं रखते छुपा कर बात को इसीलिए फिर सूरह सफ की आयात

याद करो इसके बगैर जहन्नम से छुटकारा मुमकिन नहीं है और इसी जहाज से आगे उसी सूरत में कहा है या बनो कून अनसार अल्लाह बनो अल्लाह के मददगार अल्लाह के दीन को अल्लाह के झंडे को खड़ा करना अल्लाह के दीन को कायम करना यह अल्लाह की मदद है कबा काला जैसा कि ईसाब ने मरियम ने अपने साथियों से कहा था कौन है मेरे मददगार अल्लाह के रास्ते में काल हवारी हवारी कहा था हम हैं अल्लाह के बंदे अल्लाह के मददगार और इसी सूरत में वो आज भी है इन अल्लाह सफन का नरसूस जिहाद के बाद कताल भी अल्लाह को तो महबूब है वो बंदे जो उसकी नाम है जंग करते हैं सबे मानकर ये नहीं कि बस तस्किया हो रहा है करामात का तस्करा हो रहा है और ये हो गया फलां को ये हो गया फलां ने ये कर दिया किस्से हैं कहानियां हैं सुनी जा रही हैं पढ़ी जा रही हैं जिक्र अस्कार जो कि हजूर से मनकूल नहीं उनके मुताबिक चल रही है यहां पे यार है कौन है पसंदीदा महबूब इनका नफीस अभी अब इस वक्त चूंकि जो मैंने बात शुरू की है इसमें अब सीरत का वाकयाती अंदाज आएगा जितना भी आज हो सके फिर उसको मुकम्मल करेंगे अगले एतवार को लेकिन इसमें मैं वजाहत पहले से कर दू एक एक बहुत सख्त और बहुत तल्ख बात कही जो मैंने चूंकि पहले भी कहीं हवाला दिया है टॉइम बी का टॉइम बी जो है पिछली सदी का सबसे बड़ा मुफ्कियत समझा जाता है फलसफी तारीख का उसने बड़ा जहर में बुझा हुआ जुमला कहा हुजूर के बारे में मोहम्मद फेल्ड एज ए प्रॉफिट बट सक्सीडेड एज ए स्टेट्समैन मोहम्मद एक रसूल की हैसियत से तो नाकाम हो गए हां कामयाब हुए तो एक सियासतदान एक स्टेट्समैन मतलब क्या है कि बक्की जिंदगी का जो नक्शा नज़र आता है वो मोहम्मद वाकई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे या नहीं उसको छोड़ दो नबी नजर जरूर आते हैं नब नक्शा वही है जो यहाँ का और ईसा आसलम का था दावत है तबलीग है ये है लोगों को माफ़ कर रहे हैं को, जब को, कोई कुछ भी कह जाए या तो नकाब हो गया है टू फ्ली टू मक्का वो जब वो कहते हैं तो फ्ली टू तो मदीना भागना पड़ा इसी पर फिर मंडगबरी वॉट जो है ये प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी अमेरिकू यूके में और इसका कॉल मैं बहुत सुनाता रहा हूँ लेकिन मुझे अभी हाल ही में एक टेलीविजन के मुकाबले में डॉक्टर जावेद इकबाल के साथ मैं शरीक था वहाँ उनका जब उसको मैंने जिक्र किया उसने कहा ये मेरा उस्ताद था जब मैं पीएचडी कर रहा था इंग्लैंड में तो ये मेरा उस्ताद था बडूम्री वाट इसने दो किताबें लिखी मोहम्मद इन मक्का मोहम्मद एड मदीना मैंने पूछा ये आपने दो किताबें क्योंकि मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मोहम्मद एज ए प्रॉफिट नाकाम हुआ सल्ला तो है कुछ फिट बैठता है या ईसा या वो जाहिर बात है उनके अजीम शख्सियत है तो यही दो है लेकिन ये मदीने वाला मोहम्मद तो हेड ऑफ द स्टेट है काजीजात है काजी है स्टेट्समैन है मनगुमरी वाट ने जितने मुमकिन हो सकते था ता, तारीफ़ के अल्फाज किसी शख्सियत के बारे में और उसकी भी सुपर लेटिव डिग्रीज वो इस्तेमाल कर दी हैं मोहम्मद मदीना में इंतहाई जहीन इंतहाई फतीन इंतहाई मौका पहचानने वाले इंतहाई इंसान शनाश इंतहाई बेहतरीन प्लानिंग करने वाले ये सारी लेकिन वो जो मक्के वाले हैं वहाँ तुझे नाकाम हो गए यहाँ वो कामयाब हुए ये जो कुछ तजादात सीरत के अंदर आते हैं तसादात बारह साल मक्के में हुक्म यह है कि चाहे तुम्हारे जिस्म के टुकड़े उड़ा दिए जाए तुम हाथ नहीं उठाओगे और मदीने में आकर कहाते लो उसी भीते लो ना कुछ तलवार हाथ में लो अगर कोई ईंट तो पत्थर मारो जवाब से ये तजाद है कि नहीं बजा बजाहिर बज़ाहिर का लग जोड़ है एक वक्त में सुलह हुआ कर रहा है दबकर इंतहाई दबकर इंतहाई दबकर यहां तक तमाम साहबा का खून खोल रहा है हजरत उम्र जब्त नहीं कर सके और कुछ आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर बैठे बाद में पछताते रहे एक साल के बाद मक्के का सरदार आ रहा है खुश कर रहा है सफारिशें डलवा रहा है और सुलह नहीं कर रहे कंट्रास्ट है कि नहीं ये सारा कंट्रास्ट जो है मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ फजल सीरत की ये खिदमत मैंने की है अपनी किताब में मनहज इनकाल नबी में इन सबको हल किया मैंने रिजॉल्व किया ये एक प्रोसेस के रेवल्यूशनरी प्रोसेस के नागजीर स्टेप्स है एक ही प्रोसेस है लेकिन एक प्रोसेस का एक बरहला वो है जिसका तुझे और होता है दूसरे का तक और पेशेवे और इनकलाब है न लड़ाई मकसूद है न सुह मकसूद है मकसूद अल्लाह के दिन का गलबा है उसके हवाले से और इसमें बहुत सी चीज़ों का जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है वो मैंने अल्लाह का फजल वाज किया है अब आइए हुजूर की दावत के जमन में मराहिल के जमन में पहली बात ये नोट कीजिए कि आपकी दावत व तहरीर कभी एक दिन के लिए भी खुफिया नहीं रही ये मैं इस दौर से इसलिए कह रहा हूं कि हमारे यहाँ आजकल एक खासी नुमाया तंजीम और तहरीक है उनका कहना यह है कि पहले तीन साल हजूर ने खुफिया मुहिम चलाई गलत बात। नॉट फॉर ए सिंगल खुफिया नहीं थी अंडरग्राउंड नहीं थी पुलिस थी हाँ फर्क क्या है एक है पर्सन टू पर्सन एक है बजमे में खिताब इनमें फर्क आएगा पहले पर्सन टू पर्सन बात हुई है। फिर वक्त आया है कि अपने करीबी अजीजों को खबरदार कीजिए आपने दावत की लोगों को बुलाया खाना खिलाया दोबर तब फिर हुक्म आया फसद की चोट कहो तो कोई सफा पर खड़े होकर मैंने आपको बताया वहां सबाह का नारा लगाया और फिर उसके बाद जब लोग आए अपनी बात पेश की तो नेवर इवन फॉर ए सिंगल डे इट वॉज ने मूवमेंट एब्सोल्यूटली ओपन फ्रॉम डे वन अच्छा तसादुम में मरहला अव्वल क्या था सिर्फ दाई की जात को हदफ बनाकर कैरेक्टर एसे वर्बल प्रोसिक्यूशन पागल हो गए हैं दिमाग खराब हो गया है कोई साया हो गया है कोई जिन आ गया है कोई भूत आ गया है कोई बदरू आ गई है अच्छा शायर अच्छे बन गए अचानक बन गए कैसे बन गए ये तो एक अजमी है शख्स आलिम है गुलाम वो तोरात का जानने वाला है उसको इन्होंने अपने घर में कोठरी में बंद कर रखा है उससे डिक्टेशन लेते हैं और आकर हम पर जमाते हैं आई आइए है, वगैरह 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 किस लिए था एक तो यह कि किरदार और नंबर दो आपकी हिम्मत और हौसले को कुचल देना जाहिर बात है कि अगर हिम्मत हार जाए तो किसी और को कुछ कहने की जरूरत खत्म हो जाएगी और हुजूर को तकलीफ होती थी ये नहीं था कि आपको कोई अफसोस या रंज नहीं होता था वालकत ना लमो अन्ना के का बेमा नबी हमें खूब मालूम है कि जो कुछ ही आपके बारे में कह रहे हैं उससे आपका सीना भिजता है दुख होता था लेकिन हो जुर्मरन जमीला सब्र करो उस पर तो ये कह रहे डे रहो जमे रहो इब्तदी सूरतों में आपको जो है ये उनतीसवें तीसवें पारे में जो है बार बार सब्र और वाहिद के सीटे में बल्ले रबे का फसमिर वहाँ सब्रजमल है नबी अल्लाह के लिए सब्र करो अल्लाह के हुक्म का इंतजार करो वल्ला तक उनके साहिब

सेंटर्ड ऑन दी पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद एंड इट वजल आप पर कोई इकदाम नहीं हुआ हमला नहीं हुआ आपको कोई जिसमानी जो है वो गजन नहीं पहुंचाई गई मकसद क्या था यहाँ तक भी वो करते थे वो जो मैंने कहा किल दी विल पावर उनके यहाँ ऐसे आमिल लोग होते थे जो घूर कर देखा करते थे कुछ वो एक्सरसाइज से अपनी आँखों के अंदर खास कवत पैदा कर लेते थे और ये करते हैं बाद लोग सूफिया टाइप जो आमिर है वो करते हैं ये मौलाना इस्लाई साहब ने हमें बताया था कि ख़ास तरीका क्या है रात को वैन तहजद के वक्त सफ़ेद लिबास पहनो सफ़ेद चादर बिछाओ सफ़ेद उसके ऊपर सफ़ेद कागज़ पर एक नुकता लगाओ और फिर अपनी निगाह उस पर जमाओ देखते रहो पलक झपके नहीं गेंजन गेंजन गेंज इससे क्या होगा आँखों में खास उवत जमा हो जाएगी अब आप किसी को देखेंगे आपकी निगाह से निगाह नहीं मिला सकेगा वो निगाह हटा देगा निगा। ये काम भी किया गया वही कादी कफर का लंबा समय वो जिक्र, ये काफिर लोग ये जब आपका ये जिक्र सुनते हैं आप जब तस्कर अपनी आंखों के जरिए से गिरा देना चाहते हैं चाहते हैं कि आप फिसल जाए गिर जाए वही इन नजनून और कहते कि मजनून हो गए मािकमीन ये तो नहीं है मगर अल्लाह के तमाम जहानों के लिए जिक्र बनकर आए तो दिस इज फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोसिक्यूशन सेंटर्ड राउंड पर्सन ऑफ वसल्लम एंड लिमिटेड टू वर्बल प्रोसिक्यूशन मरहरा दम शुरू हुआ है तकरीबन संचार के आगाज में चार नबी और इसका असल सबब क्या बना है हुजूर की हिम्मत अल्हम्दुलिल्लाह, उस पर कोई असर नहीं पड़ा जो आपके साथ साथ ही आए अल्हम्दुलिल्लाह, वो जमे रहे लेकिन अब आपकी दावत फैल रही थी गुलामों में और नौजवानों में ये समझिए कि ये बारूद के गुदामों मत तक अब ये इनकलाबी जमात जा रही है ये गुलामों के अंदर अगर एहसास पैदा हो गया हमारे हुकूक हम भी इंसान तमाम इंसान सारी ये खड़े अगर कहीं हो गए ये बारूद अगर धमाके से पट गया तो हमारा क्या बनेगा फिर नौजवान नौजवान कैसे होते हैं नौजवान अमूमन सलीबल फितरत होता है वो तो बड़ा होकर उसे मफादात और ये और ने और ये भी करना है बेटियों के हाथ भी पीले करने हैं वला भी करना है तो ये भी करना है तो झूठ भी बोलना है तो धोखा भी देना है रिश्वत भी लेनी है सब कुछ करना है वो बाद में फिर जो होते हैं रड़ रड़ा कर जो कुछ बन जाते हैं नौजवान आमतौर तो पर सलीबुलफितरत होता है सही बात उसके दिल को लगती है जाकर हाँ बात सही है और फिर जो उसको कबूल करता है तो आगे आता अब ये दो तबकों में जब दावत पहुंची तो उन्होंने महसूस किया तो हमारे ये तो गोदाम बारूद के गोदाम में आग लगने वाली है अब शुरू हुआ दौर फिजिकल प्रोसिक्यूशन मारो, मुस्लिम भूखा रखो इन्हें जंजीरों में कस के डाल दो फाके करवाओ पीटो इनको यह प्रोसिक्यूशन खास तौर तो पर क्योंकि हुई गुलामों की जिन पर था जो चाहे करे मालिक थे उस माशरे में तो गुलाम को जब चाहे कत्ल कर दे कोई पूछने वाला नहीं था बिल्किय थे भाई मेरी बकरी थी मैंने दिवा की तुम कौन होते हो मेरा गुलाम तो मैंने कत्ल कर दिया आर यू टू आस्क मी गुलाम और फिर छोटों पर बड़ों का इख्तियार है बाप अपने बेटे के ऊपर कुछ कर रहा है तो कैसे कोई शख्स जो है वो आड़े आएगा चचा कर रहा है तो कैसे आड़े आएगा गुलामों में बिलाल रजी अल्लाह तआला फिर वहां एक हल्फा होते थे हलीफ ये बात मुझे मालूम हुई थी एक सीरीज टीवी की मैंने देखी थी 1979 में जद्दे में फुरसान उल्ला ये जो हजरत सुमैया थी ताला और उनके जो शौहर थे हज़रत यासिर इनका कुरबा कैसे था ये यासिर थे यमन के रहने वाले इन्होंने खाब देखा था कि आखिरी नबी का जहूर मक्के में होने वाला है इसलिए वो आए यमन को छोड़कर मक्के में आ. अच्छा यहां कुरैश का मामला क्या था कि या तो कृषि कर, रहेगा मक्के में या कृषि का हलीफ किसी कृषि के हलीफ बढ़ कर आप रह सकते या कृषि का गुलाम होगा कोई भी हो वसी हो कोई हो तो अबू जहल के चचा था एक वो शरीफ और नफ्स इंसान था उसके हलीफ बढ़ कर ही आबाद हो गए और उसकी कनीज थी ये हजरत हजरतिया रजी अल्लाह त उसकी इजाज़त सिंह से निगाह कर लिया उन्हें अल्लाह ने बेटा दिया अमार तो ये तीन अफराद का घराना था वो चचा मर गया अब अबू जहल के पास इख्तियार आ गया उसने जो सताया है जो सता जो टॉर्चर किया है तस्करा करते हुए रोंगटे खड़े होते जो है वानियत तो और बरबरीयत बेटा जो है वो तो ताब नहीं ला सका लेकिन उसने कुछ कल मैं कम कुहर कहकर जान बचा ली फिर बाद में अपने आप को बांध लिया हजरतिया मार ने कि मैंने ये क्या किया अब तो हजूर ही मुझे यहाँ पर आकर खोलेंगे तो मैं खोलूँगा वरना मैं यही जान दे दूंगा हजूर ने आकर खोला और फरमाया कि ठीक है दीन में इसकी भी इजाज़त है जान बचाने के लिए कल मैकूवर कहा जा सकता है बशर्ते के दिल में ईमान और तोहेद मौजूद रहे लिहाजा ठीक है नुख्सत का बाबतार था तुमने रुखत पर अमल कर लिया वालदे ने तुम्हारे जो इस का सबूत दिया बदतरीन टॉर्चर बिलहाल के साथ टॉर्चर उफ मार मार के मार मार के जख्मी किया हुआ फिर घसीट कर गर्दन में डाल दी गए, एक रस्सी खेचो इसे घसीटो गली के अंदर वो तो पथरीली जमीन जिसमें रगड़े तो खा रही है खून निकल रहा है खाल फट रही है पहले जाके एन धूप में डालकर उसके ऊपर एक बहुत भारी सिल वो रख दी सीने के ऊपर लेकिन वो कह क्या रहे अहद अहद आह, अहद अहद एक को बहरहाल ये जो कुछ हुआ है ख़बाब बने लड़क आओ आ गए उनके निगाहों के सामने देखते हुए अंगारे जमीन पर भी छब्बीस दिए गए उतारो कुर्ता उतार दिया लेट जाओ लेट गए उसी अंगारों से खाल जली पीठ पे जो चर्बी थी पिघली उससे वो अंगारे ठंडे हुए ये तासीब इस तरह की हजरत मुशफ बिन चचा ने कहा ये तुम क्या ऐश करते हो ये तुम्हारे जो फौजशुदा बाप है वो मुश्रक था उसकी दौलत है उस पर ऐश कर रहे हो तुम निकल जाओ यहां से उठ कर चलने लगे उसको वो समझा था कि इसको दिन में तारे नजर आ जाएंगे ये नाजो नाम में पला हुआ मुशफ दो दो सौ दिरहम का जोड़ा बनकर आता था उसका शाम से और मुहत्तर इतना होता था उसका लिबास जहां से गुजर जाता था पूरा रास्ता जो है वो बहक उठता था तो उसको तो तारे नजर आ जाएंगे मैं कहा जाऊंगा उठने लगे तो अब उसके ऊपर जो जोश है ये कपड़े भी उसी उसकी बाग पे है उतारो इसको उतार जात बरह ना होकर अपनी माँ के पास आए माँ ने आंखों पर हाथ रखा है वो सब क्या हुआ है कि माँ मैं मुहिद हो गया ये जीत और इसमें मैंने आपको असल में बताया दिस इज दी दाइज डिसिप्लिन की पाबंदी हुक्म नहीं है हजूर की इजाजत नहीं है वरना एक शख्स देखता है कि मुझे तो ये भून देंगे रोस्ट करेंगे कोयलों के ऊपर इजाजत हो तो, तो दो चार को मारकर मरेगा ना एक दो को तो मारेगा डेस्परेट इंसान बिल्ली को भी आप कहीं कॉर्नर कर ले तो आप पर हमला आवर हो जाएगी क्या उसकी जान है आंखों पर आएगी सीधे आपके इजाजत नहीं ये हुक्म मानना जो है ये सबसे मुश्किल हुक्म था मोहम्मद का ये बर्दाश्त जो चाहे कर दे तुम्हारा यू आर नॉट अलाउड टू रेज योर हैंड्स इवन इन सेल्फ डिफेंस जवाबी कार्रवाई तो और रहा जवाबी कार्रवाई का सवाल नहीं हाथ भी नहीं उठा सकते उतारो कपड़े उतार दिए लेटे और लेट दें यही कबाबर थे रजी अल्लाह तुम रिवायत करते हैं बुहारी शरीफ की रिवायत है कि हम हजूर की खिदमत में हाजिर हुए चंद साहबानी पर यह कुछ बीत रही थी हजूर रतली काबे की एक दीवार के साय में जरा सा था वहाँ लेटे हुए थे इस तरह हत फरमा रहे थे अपना कोड़ा जो है या चादर उसका तकिया बनाकर इन्होंने आकर कहा ना नाकाबिल बर्दाश्त हो रहा है ख़बाब ने अपना कुर्ता उठाकर दिखाया देखिये मेरी पीठ का हाल देख लीजिए आप अल्लाह से मदद की दरख्वास्त नहीं करते अल्लाह का है ना आप हमारे लिए अल्लाह को पुकारते नहीं हुजूर को बुरा लगा आपने सारे की फरमाया खुदा की कसम तुम जल्दी मचा रहे हो तुमसे पहले जो लोग इस शास्त्र में आए थे उन पर तो यह भी हुआ कि एक खोदा गया एक आदमी को गाड़ा गया आधा और फिर उस के ऊपर आना रखकर चीरना शुरू किया दो हिस्सों में तकसीम कर दिया यह हुआ है। आग के गढ़े जलाकर लोगों को जलाया गया है बहू माना मा या फलूना बिलमोमी ने शहद और यह भी किया गया कि लोहे के गंगों के साथ हड्डियों के ऊपर से गोश्त के उतारा गया है लेकिन उन्होंने सब्र किया तुम जल्दी कर रहे हो खुदा की कसम को वक्त आकर रहेगा कि एक सवार सरारनार से हजर मौत तक जाएगा और उसे सिवाय अल्लाह की किसी का डर नहीं होगा बट स्टिल यू हैव टू बी पेशेंट इसी पर आयत उतरी की इजार नाराजगी इजहार नाराजगी फरमाया वही अल्लाह भी फरमा रहा है क्या लोगों ने यह समझा था कि सिर्फ ये कहने से कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और छूट जाएंगे और उनका इम्तहान नहीं लिया जाएगा उनकी आजमाइश नहीं होगी भला कर फतेम कबल फलया लमनयामका तो हमने तो जो भी पहले इस मैदान में आए हैं उनको आजमाया है ठोक ठोक कर बजा बजा कर देखा है उनके खलूस का इम्तहान लिया है उनके सब्र और का इम्तहान लिया है हमारा कायदा तो ये है जो आया है वो सोच समझ कर आए ये फूलों की सेज नहीं है ये कानून भरा बिस्तर है जन्नत लेनी है तो ये सब कुछ करना होगा वही आजमाएंगे लाजमत तुम्हें खौफ से भूख से फाके से जान और माल के नुकसान से कैरियर्स की तबाही से फसलों की बर्बादी से आजमाएंगे और नबी बशारत दे दीजिए सब्र कर दे बहरहाल इसके जीवन में एक बात जो मैं बता हूँ तो लंबी बात हो जाएगी ना ये जो प्रोसिक्यूशन का दौर चला है एक बात तो मैं आपको बता चुका हूं कि इसी के जरिए से नज्म की पाबंदी का असल में जो इसकी ट्रेनिंग हुई है यू टू ओबे मुझे किसी किताब में तो नहीं मिला है लेकिन वही फुरसान फुरसानल्ला बड़ी उमदा सीरीज थी मैंने बाद में बहुत तलाश कराई है बहुत ही उमदा जो मैसेज फिल्म है इससे कई गुना ज़्यादा वो और बड़ी लंबी तारीख थी उसी में ये भी था वो जो मैंने आपको हजरत यासिर और सवैया का बताया उसी में एक वाक़ है कि मैंने कहीं पढ़ा नहीं है इसलिए मैं कह नहीं सकता कि कोई उसमें जोफ हो कि एक मरतबा सिर्फ़ हजरत अब्दुल्ला अबिन मसूद से इसमें ख़ता हुई अबू जहल ने उन्हें थप्पड़ मारा उन्होंने भी जवाब थप्पड़ वसीद किया क्योंकि अब्दुल्ला बिन मसूद तो बारह जो शरफात थे वहाँ के उनके खानदान से थे गुलाम नहीं थे कुछ नहीं थे किसी के बेटे नहीं थे हालांकि बेटों में से आपको हज़रत उस्मान को हालांकि वो तो बनु मैया के चश्मोचराग थे उनके चचा ने एक शफ़ के अंदर चटाई के अंदर लपेट कर और धुआं दिया जिससे कि जान जो है निकलने के करीब इन्होंने जब थप्पड़ रसीद किया जवाब अबू जहल को तो हुजूर ने पंद्रह दिन के लिए मक्का बदन कर दिया चले जाओ मक्के से बाहर अगर तुम सब्र नहीं कर सकते वो आउट ये वो वाक मैंने आपको बताया कि जो उस में नंबर दो ये है फलसफा इनक्राब के हवाले से अहम तरीन नुकता इसी भी आज मैं बात खत्म करूंगा इसका सबसे जो अहम नतीजा निकला वो क्या था ये ये चीजें आपको कहीं सीरत की किताबों में नहीं मिलेंगी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं सन 85 में ये मैंने ग्यारह तकरीरें की थी मस्जिद में जुमों के अंदर ग्यारह जुमों में और ये सीरत के सामने खुलकर आए उससे पहले मैंने सीरत का ऐसे मुताला नहीं किया था सबसे बड़ा फायदा क्या निकला आवाम की हमदर्दियां इनके साथ हो आम आदमी जो होता है जिसे हम कहते हैं साइलेंट मेजोरिटी उनमें हिम्मत नहीं होती अबू जहल और अबू मैत और बड़े बड़े सरदार और वली बिन मुतम के सामने खड़े नहीं हो सकते थे खड़े होकर उनकी जवाबदेही नहीं कर सकते थे लेकिन साइलेंट थे डेफ एंड तो नहीं थे डेफ एंड ब्लाइंड तो नहीं थे वो देखते थे ना भाई आज अब वो भैया इबन ख़ल्फ़ ने बिलाल के साथ बहुत ज़्यादा की है उसका जिसम उधड़ा हुआ था इतने उसको कोड़े मारे गए उसे घसीट रहे थे जमीन के ऊपर खुर्दरी मक्के की जमीन पथरीली और फिर उसके ऊपर एक चटान रखती सीने के ऊपर क्यों क्या हुआ भाई क्या उसने कोई बगावत की थी कोई चोरी की थी कोई अपने आका की बेटी की इज्जत पे हाथों नहीं डाल दिया था क्या किया था कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं सिर्फ यह कि वो कहता है मैं एक अल्लाह आप सुनिए सोचिए क्या साल तोड़ो उसके लिए हमदर्दी पैदा होगी कि नहीं आखिर इंसान है इंसानी फितरत है ये सुवैया और यासिर के साथ याशर किया मुझे क्यों वट वाज द क्राइम जैसे कुरान में आता है वैजल तो जमीन को वो जो जिंदा दफना दी गई थी उनसे पूछा जाएगा तुम्हें किस जुड़ो में दफन किया गया नतीजा क्या है कि अवामी हमदर्दियां जो है वो इनकी तरफ हो रही है। अपने सरदारों से नफरत पैदा हो रही है। वैसे भी देख रहे हैं कहां किरदार अबू लाब का कहा मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उमर क्या था उमर खत्ताब ये भी अबू जहल की तरह का था ईमान लाने से पहले ईमान आने के बाद क्या हो गया वो क्या वो देख नहीं रहे थे क्या ये अब बकर का किरदार और सीरत और फिर उस पर ओवर दैट ये परसिक्यूशन ये टॉर्चर तो लिहाजा दिल जीत लिए जो दिलों को फतेह कर ले वही फाते है जबान मेरे नजदीक उस अब उस इंकलाबी अमल का इंतहा फैसला कुल बना रहा है बदल में जो गए हैं ये वही लोग थे ना आखिर ये जानते थे कहाँ हमारे सरदारों का किरदार कहाँ मोहम्मद और अबू बकर और उमर और उस्मान और अली इनका किरदार ये तो हमारा हमारी सोसाइटी के ग्रीम थे अंदर से तो वो शिकस्त खा चुके थे उनमें जंग करने की वो ताकत नहीं थी लेकिन वो इसका अमल ये जो प्रोस्टिक्यूशन के मुकाबले में इसको जदीद इस्तेमाल में कहा जाता है पैसिव रेजिस्टेंस खड़े रहो डटे रहो कदम पीछे ना हटे लेकिन हाथ मत उठाओ बिकॉज यू हैव टू बाई टाइम ये इनकलाबी जमात की जरूरत है उसे वक्त चाहिए उसे और लोग अपने गिर जमा कर रहे हैं अभी और अपनी दावत का दायरा वसी करना है अभी अपनी तंजीम के कागज बढ़ाने हैं तब वो मुकाबला करने के काबिल होंगे कि मैदान में आकर कुफर का और जुल्म का और बातिल का मुकाबला कर सके चैलेंज दे सके दे नीड टाइम दे है अगर वो शुरू में वायलेंट हो जाए तो कितने से थे कुचल दिए जाएंगे ये तीसरी बात पैसिव रेजिस्टेंस के नतीजे में यह जो अमल था उसके नतीजे में उस इनकलाब मुहम्मदी के लिए काम करने वालों के लिए वक्त मिल रहा था मोहलत मिल रही थी बहरहाल इसमें एक बात नोट कर लीजिए हिजरत की इजाजत अगरचे दे दी गई थी

मेरे ईमान लाने वाले बंदो मेरी जमीन बड़ी कुशादा है बस बंदगी मेरी करो अगर यहां रहकर नहीं कर सकते तो चले जाओ छोड़ दो इस मुल्क बिलादुल्लाक फजाऊ हजरत अली के फिर दुनिया फंसी हूँ फकुलदीन आला हवान निजाजाक़्जुन फसी हूँ निजा जो लोग इंतहा जिल्लत में रहते हुए भी किसी जगह पर बैठे हुए उनसे कह दो भाई अल्लाह की जमीन बड़ी कुशादा है जिल्लत को बर्दाश्त न करो छोड़ो इसको जगह को छोड़ दो तो हिजरत हफशा हुई है लेकिन जाहिर बात है कि यह हिजरत अमू भी नहीं थी फर्ज नहीं थी लाजिम नहीं थी लेकिन यह कि हिजरत हफशा इस पर क्लाइमैक्स तीन साल की शेब बनी हाशिम शेबे अभी तालिब की कैद क्लाइमेक्स सातवें साल से लेके नबूवत के, के दसवें साल तक एक घाटी दो पहाड़ों का सिलसिला इधर भी पहरा उधर भी पैरा बनु हाशिम सब फेंक दिए गए वो घरों से निकाल निकाल कर और कोई शह अंदर नहीं जाएगी खाने पीने की पहरा है कुछ लोग थे हकीम बिन हिज़ाम रसी अल्लाह तन हजरत ख़रीयतुल्कुब्रा रजील् तन के रिश्तेदार थे और कुछ ऐसे लोग थे बेचारे जो रातों की तारीखी में कभी एक पहाड़ की चोटी फिर उतर कर जा कर कुछ दे आए खाने को वरना वो वक्त भी आया है कि बनु हाशिम के बच्चे छोटे छोटे बच्चे फूल जैसे भूख भूख से चिल्ला रहे हैं और सिवाय इसके कुछ नहीं है कि सूखा चुमड़ा चमड़ा उबाल कर उसका पानी उनके हलक में टका दिया थी कहते थ्री लॉन्ग ईयर्स हम सीरत में क्या पढ़ते हैं और सीरत है क्या असल में सोचने की बात तीन साल का शदीद बाइकॉट खुराक पर एम्बार्गो वहां से जब छुटकारा हुआ और कैसे हुआ है मुझे ऐजनावा बनाकर तमाम कुरैश के बड़चोटी के लोगों ने दस्तखत करके कि हा, बनु हाशिम का बाइकॉट, उनसे कोई है कोई ख़रीदेगा ना बेचेगा ना ये करेगा ना वो करेगा वो लटका दिया गया था खाने कहावा पर उसे दीमक खा गई तो किसी नेक दिल ने जाकर कहा भाई वो तुम्हारा इदनामा तो ख़त्म हो गया अब खुदा के लिए ख़त्म कर लें क्या मामला तब वो मामला ख़त्म हुआ है लेकिन उसी साल उसको हजूर ने कहा है आमुल हजन हमारे लिए ये रंज और गम और अफसोस का साल है कि एक तरफ हजरत खदीजा का इंतकाल होगा रजी अल्लाह तारा का घर में एक दिलजोई करने वाली रफ़ीका हयात थी वो भी न रही बाहर की बातों से सब कुछ सुनकर सुनाकर दिल पर जहन पर बोझ लेकर आते थे अगर घर में तो एक दिलजोई करने वाली रफ़ीका हयात थी वो भी नहीं रही अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया चाहे वो ईमान नहीं लाए थे लेकिन उन्होंने प्रोटेक्शन दी है बनी हाशिम के सरदार की हैसियत से वो कबायली ज़िंदगी थी बनी हाशिम एक यूं समझिए जैसे हमारे यहाँ वट्टू वट्टू बड़ा कबीला है इसमें जो है आपको मिल जाएंगे मारने के शामद के तो ये इस तरह बनो हाशिम बनू भैया बनू फला बनू फला लेकिन ये सब घराने थे कबीला खोश तो वो जो घराना बनू हाशिम का था उसके सरदार थे अबू तालिब लिहाजा उनकी वजह से पूरा बनी हाशिम का खानदान पीछे था हजूर के इसीलिए हजूर के खिलाफ कोई इकदाम नहीं हो सका कोई नहीं हो सका क्योंकि खाना जंगी का नीचा था इस ट्राइबल लाइफ के अंदर कि बनी हाशिम का एक मोजत फर्द है अगर उस पर हमने कोई काम किया तो हमारे दरमियान इन फाइटिंग हो जाएगी हाउस डिंग नाट स्टैंड लेकिन अब तालीम के इंतकाल के बाद उस सहारा हट गया अब तय कर लिया गया क्या कोई मज़दीद रियायत नहीं मोहम्मद को कतल कर दिया जाए सल्लल्लाहु जा। अलैहि वसल्लम इस पर जो अगली बातें हैं अगले इतवार को होंगी असल सीरत तो यूँ समझिए कि ये फलसफा सीरत हमने पढ़ा है चार इतवारों में असल सीरत का पहलू जो अब शुरू हुआ है वो आएगा अकोल कौलिहाजा वस्तर मुसलमिन